शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर के एस यादव आप सभी का NIOS के वागदा चैनल में स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द वागदा चैनल ऑफ NIOS। दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग टेलीकास्टेड बिटवीन 3 to 5 PM डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। जैसा कि आपको जानते हैं कि ये प्रोग्राम डेली प्रतिदिन 3 से 5 साय प्रसारित किया जाता है और सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। ये प्रोग्राम उन हमारे DLED ट्रेनी टीचर के लिए है जो NIOS से रजिस्टर्ड हैं और जो अनट्रेंड है और जो एलिमेंट्री लेवल और प्राइमरी लेवल पर काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं, जो हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर और हमारी जो ईमेल एड्रेस है उस पर क्वेश्चंस पूछ करके। यू मे आल्सो इंटरेक्ट इन दिस प्रोग्राम बाय कॉलिंग अस थ्रू द टोल फ्री नंबर 1-800-180-2543 एंड द ईमेल एड्रेस wagda@nios.ac.in। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं क्वेश्चंस पूछ करके, जैसे कि अब आपको अच्छी तरह जानते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोग्राम है, वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज के इस प्रोग्राम के डिस्कशन के, जो चर्चा का विषय है, उसके डॉक्टर सतेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में डीन और प्रोफेसर है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और डॉक्टर सतेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम प्रोग्राम शुरू करें, अब स्क्रीन पर आपको जो डेट शीट है, जो आप एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उनको ज़रूर आप नोट कर लीजिए। ये स्क्रीन पर आपके लिए है, प्रसारित किया जा रहा है, जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 31 मई, 1 जून और 2 जून को। जिन्होंने भी नोट नहीं किया उसको नोट कर लेंगे। और अब मैं डॉक्टर सतेंद्र कुमार जी से, गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो प्रोग्राम है, जो आज का चर्चा का विषय है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, को आप चर्चा को शुरू करें। सर धन्यवाद यादव जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं। और जैसा कि अभी आपको सर ने बतलाया है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED के प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो आज हम लोगों ने कोर्स 501 संख्या जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और उसका भी एक स्पेसिफिक जो एक प्रकरण है या टॉपिक है जिसका नाम है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया अ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसको आज लिया है चर्चा में, इसको जोड़ा हुआ है। और जैसा भी यादव सर ने आपको बतलाया है, इसका हिंदी रूपांतरण यदि हम करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण। जैसा कि आपके सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में हिंदी वर्जन आप पढ़ेंगे तो वहाँ शब्द लिखा हुआ है सार्विकीकरण। तो इस विषय पे हम आए, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए, सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए, और आज हम आज़ादी के 75-76 साल की जब बात करते हैं, इतने वर्ष 1947 हमें निकल चुके आज़ाद हुए, तो आज भी हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। आज भी प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि सभी लोग शिक्षा व्यवस्था में आए। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं शिक्षा के इतिहास पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्या ये सभी के लिए शिक्षा अभी आज़ादी के बाद के प्रयास हैं, या हमारे यहाँ हजारों वर्षों से शिक्षा को सभी के लिए खोला गया है, शिक्षा के द्वार, शिक्षा मंदिर के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे, या वो परिकल्पना हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है। तो इस स्लाइड में एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया हुआ है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वैदिक पीरियड से, और हम लोग बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड तक। तो थोड़ा सा आप देखेंगे समय के अनुसार, तो आज से लगभग 6000 वर्ष पहले तक, यदि हम BC में बात करें तो BC से लगभग 600 BC पहले तक, आज से लगभग वो समय आ जाता है 3000 साल से ऊपर, उसके पहले से वैदिक काल चलता आ रहा है। उस समय शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे, सभी लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार था,
हाँ, आज की तरह जैसे सरकार कंपेल कर रही है, सरकार कह रही है कि नहीं सभी माता पिता अपने बच्चों को जरूर स्कूलों में भेजें, हाँ शायद ये परिकल्पना उस समय नहीं थी, लेकिन ये था कि जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि गुरुकुल प्रणाली उस समय चलती थी, तो गुरुकुल प्रणाली में गुरु अपने इच्छा से गुरु बनते थे लोग, जिनको लगता था कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मैं समाज को कुछ वापस दूँ, मैं समाज के अन्य लोगों को शिक्षित करूँ। तो ऐसे लोग अपने घरों में या बाद में गुरुकुलों में छात्रों को शिक्षित करने का काम करते थे, और ये प्रथा इतिहास में पड़े तो हज़ारों वर्षों तक देश में चलती रही है। हाँ, निश्चित रूप से समय के अनुसार बहुत सी व्यवस्थाएं बदलती हैं, समाज में कुछ कुरीतियाँ भी आ जाती हैं, तो वो कुरीतियाँ भी आपको शिक्षा के इतिहास में पढ़ने को देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर बुद्ध जी आते हैं, उन्होंने अपनी एक अलग फिलॉसफी लोगों के सामने प्रस्तुत की, जो समाज में जितनी कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने अपना ज्ञान लोगों को दिया। तो उसके अनुसार देश के अंदर, भारत के अंदर शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन आया और शिक्षा गुरुकुलों से निकल के मठों और बिहारों की तरफ चली गई। ऐसा नहीं कि जब बौद्ध का समय शुरू हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 600 BC से लेकर 1200 AD तक, लगभग 1800 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा का प्रभाव रहा है, तो ऐसा नहीं कि उस समय से बौद्धों के द्वारा ही शिक्षा दी जा रही थी और जो गुरुकुल प्रणाली देश में थी समाप्त हो गई थी। दोनों समानांतर रूप से चल रही थी और लोगों के पास च्वाइस थी, एक इच्छा थी कि आप चाहें तो वैदिक सिस्टम में रहते हुए पढ़िए, या आप चाहें तो बौद्ध और मठों बिहारों में जाके बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा व्यवस्था जो की गई है आप उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी बात बौद्ध धर्म में ये भी देखने को मिलती है कि वैदिक पीरियड के अंत में जो बुराइयाँ आ गई थी, कुछ लोगों को शिक्षा के अधिकारों से वंचित करना शुरू कर दिया था, तो बौद्धों ने कहा नहीं, हमारे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और आप चाहें तो हमारे यहाँ आके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दलित समाज जिसको हम कहते हैं, या जिनको शिक्षा के क्षेत्र से वंचित करने का प्रयास किया गया, उन सबको शिक्षा देने का काम बौद्धों ने किया है। फिर समय आगे बढ़ता है धीरे धीरे, फिर मेडिवल पीरियड आता है जब भारत में विदेशी आक्रांताओं ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, विदेशों से लोगों ने आके भारत पे अपना अधिकार करना शुरू किया। उस समय मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भारत में आए हैं, और जिनका समय हमारे यहाँ, जिनका इफ़ेक्ट कहें या जिनका प्रभाव कहें हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जो पड़ा है, वो समय मिलता है इतिहास में 1200 AD से लेकर 1800 AD तक, ईसा के बाद 1200 लेकर 1800 तक। और फिर जैसा आप जानते हैं 1800 के आसपास फिर भारत पे अन्य यूरोपीय लोगों ने आकर शासन जमाने की कोशिश की, प्रयास किया, उसमें मुख्य रूप से सफल रहे थे अंग्रेज़, ब्रिटेन, ब्रिटिश के लोग। तो फिर वहाँ से उनका प्रभाव हमारे देश में देखने को मिलता है। तो मेडिवल पीरियड में चूँकि राजा जिस धर्म को मानने वाला होता है, जिस प्रकार की व्यवस्था को मानने वाला होता है, उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था वो अपने यहाँ करता है, तो फिर मेडिवल पीरियड में मकतब, मदरसा, इस्लाम धर्म पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था बढ़ी थी। लेकिन उस समय भी सबको शिक्षा पाने का अधिकार था, जो चाहे वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और मेडिवल पीरियड में तो तीन शिक्षा व्यवस्थाएं समानांतर रूप से चल रही थी, गुरुकुल प्रणाली भी थी, बौद्धों की मठ बिहार वाली प्रणाली जितनी भी अस्तित्व में थी वो भी चल रही थी, और एक तीसरे प्रकार की प्रणाली शुरू हो गई थी जिसको कि हम इस्लाम धर्म के अनुसार और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। फिर अंग्रेज़ों का प्रभाव शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था भारत में लाई। यूरोप में जो जागृति आ चुकी थी शिक्षा के द्वारा, उस जागृति को भारत में लाने की कोशिश की गई, और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने शिक्षा के इतिहास को पढ़ा हुआ है, तो वो जानते, उस समय एक बीच में एक इंट्रैक्शन चलता रहा कि शिक्षा व्यवस्था भारत में किस प्रकार की हो, क्या वो भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली रहे, या जो अंग्रेज़ या फ्रांसीसी अपने साथ जो यूरोप से शिक्षा प्रणाली ला रहे हैं, जो कि अंग्रेजी विषय पर आधारित हो, अंग्रेजी भाषा पर आधारित हो, कि उसके अनुसार शिक्षा भारत में दी जाए। तो ये डिस्कशन चलता रहा, लोगों में तर्क वितर्क होते रहे, और सबसे बड़ा नाम जब हमारे अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में आता है तो मैकॉले का नाम सबसे ऊपर आता है, कि जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को एक नया दिशा, एक नया मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया था। और वहाँ से दुर्भाग्य से जो तीन व्यवस्थाएं हमारे पहले से चल रही थीं, वैदिक कालीन गुरुकुल प्रणाली, बौद्ध कालीन मठ विहार की शिक्षा और मध्ययुगीन मकतब मदरसों की शिक्षा, वो कहीं पीछे रह गई और
ब्रिटिश लोगों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था जो लाई गई, जिसका माध्यम अंग्रेजी रखा गया, अंग्रेजी पढ़ाई गई, पाश्चात विषय पढ़ाए गए, पाश्चात लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ाया गया, उसकी वजह से देश में बहुत सारा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। फिर वहाँ से चलते चलते हम लोग आज़ादी तक पहुँचे हैं। तो 1947 जब अगस्त में हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, तो उसके बाद से हमारे पास अपनी शिक्षा व्यवस्था आ गई। अब चुने हुए राजनेताओं पर उत्तरदायित्व आ गया है कि अब आप भारत के अंदर शिक्षा की व्यवस्था करिए। तो ब्रिटिश पीरियड में भी हम देखते हैं तो उस समय भी प्रयास थे, और हाँ एक बात ज़रूर आई थी कि वहाँ पर मास एजुकेशन की बात नहीं थी, क्लास एजुकेशन की बात थी। एक थ्योरी का नाम आता है ब्रिटिश पीरियड में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि डाउनवर्ड आप पहले समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करिए, समाज के प्रभावशाली लोगों को आप अंग्रेजी शिक्षा दीजिए, और नीचे के वर्ग के लोग अपने आप वो शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दें। लोग नकल करते हैं तो उनको देख देख के लोग भी अपने आप शिक्षित होना शुरू हो जाएंगे। वो प्रयास रहा, तो उन्होंने ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ब्रिटिश काल में मास एजुकेशन पे थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिलता है, लेकिन जब आज़ादी हमें मिली है तो उसके बाद फिर से हमारे यहाँ पर देश में नेताओं ने अपने व्यवस्थाओं के अनुसार, अपने प्रांतों के अनुसार, अपने प्रदेशों के शिक्षा की व्यवस्था करना शुरू की। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात मैंने की है, थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाने का प्रयास किया है कि हमारे देश में किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ी है। अब हम तो अब बात यहाँ पर आ रही, जैसा आज हमारा विषय है उस विषय पर वापस आना चाहूँगा। इस विषय में आपने देखा होगा तीन शब्द हैं, दे आर थ्री की वर्ड्स, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एजुकेशन से तो आप सभी लोग परिचित हैं, अच्छे से परिचित हैं। अब बात आती है यूनिवर्सल की, तो पहले मैं यूनिवर्सल शब्द की थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। यूनिवर्सल शब्द का यदि आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एक शब्द का अर्थ मिल जाता है सार्वभौमिकरण। और एक बड़ा अच्छा जो NIUS ने अपने लर्निंग मॉड्यूल में जिसका हिंदी रूपांतरण दिया है सार्विकीकरण, वो बड़ा अच्छा शब्द लगा है मुझे, कि शिक्षा सभी को मिले, सबको शिक्षा प्राप्त हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो बड़ा अच्छा शब्द है सार्विकीकरण, शिक्षा का सार्विकीकरण। अब तीसरा शब्द यादव जी इसमें आ जाता है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का हिंदी रूपांतरण दिया गया है प्रारंभिक। अब इसके ऊपर भी अलग अलग व्यवस्थाएँ मिलती रही हैं, लेकिन आज हम एलिमेंट्री को मुख्य रूप से कक्षा एक से लेके कक्षा आठ तक की शिक्षा के रूप में देखते हैं। इसका विस्तार, इसका स्ट्रक्चर आगे मैं आपको बतलाऊंगा। और आज के समय में देश में हम देखेंगे तो शिक्षा केंद्र सरकार का भी उत्तरदायित्व है और शिक्षा की व्यवस्था करना प्रदेश सरकार का भी उत्तरदायित्व है। यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भारतीय संविधान को पढ़ा हो, भारतीय संविधान को समझा हो, उसको देखा हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पहले शुरुआत में शिक्षा को केंद्र सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया था, कि एडवाइजरी फॉर्म में वो थी, और मुख्य रूप से प्रदेश सरकारों को अधिकार दिया था कि आप अपने अपने प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था करिए। लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, संविधान में संशोधन हुए, उसके बाद में शिक्षा को संवर्ती सूची कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में लाया गया, और जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा का अधिकार अब दोनों का है। केंद्र सरकार भी शिक्षा पे अपने नियम बना सकती है, शिक्षा की व्यवस्था सीधे प्रदेशों में कर सकती है, और प्रदेश सरकारें भी अपने यहाँ अपने आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करें। तो एक अमेंडमेंट जो मिलता है हमारे संविधान में, वो 42nd अमेंडमेंट में संविधान का 42वां संशोधन, वहाँ से शिक्षा को कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में लाया गया और प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार दोनों अपने यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कर सकते। तो 1976 में यह आया था परिवर्तन संशोधन, उसके बाद दोनों लोगों ने शिक्षा की व्यवस्था करना शुरू कर दी थी। अब यहाँ एक बात देखने की है कि वैसे तो शिक्षा शिक्षा है, हम चाहे प्री प्राइमरी की आज के समय की बात करें, प्री नर्सरी की बात करें, या हम हायर एजुकेशन तक की बात करें, तो शिक्षा तो प्राप्त करना सबका अधिकार है। और हमारा चूँकि देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे यहाँ बात होती है कि हम सभी को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं, वो भी निःशुल्क, यानी सरकारी संस्थाओं में आपको किसी प्रकार का शुल्क ना देना पड़े शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए सरकारों से जनता ने यह अपेक्षा की है कि आप हमें निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करिएगा। तो 1947 के बाद से बहुत से प्रयास होते रहे हैं,
और उसमें मुख्य रूप से जो देश के अंदर हमें परिवर्तन दिखलाई देता है शिक्षा में, वो आता है 1986 के बाद, जब शिक्षा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई है 1986 में, उसका रिवीजन 1992 में हुआ है। तो उसके बाद से फिर प्रारंभिक शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो उसका बहुत तेज़ी से विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो प्रारंभिक शिक्षा बहुत तेज़ी से प्रदेश सरकारों ने प्रयास किए, केंद्र सरकारों ने प्रयास किए, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से और दूसरे विदेशी देशों से भी, उन्होंने उस शिक्षा भारत में कैसे हम सुलभ करा पाएँ, उसके लिए धन की कमी आ रही थी, तो उस धन की कमी को उन्होंने विदेशों से सहायता लेके भारत की जनता को शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो आज का हमारा विषय मुख्य रूप से यही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण। तो अभी इसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट किया है कि सभी के लिए शिक्षा हो, सभी के लिए शिक्षा कैसे मिले, तो इसकी एक परिभाषा है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसा पहले बात की थी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको जस्टिस मिले, सबको इक्वालिटी मिले, सबको लिटरेरी होने का अधिकार है, तो उसी के अनुसार देश में सबको शिक्षा कैसे मिले। तो यहाँ पहला एक अर्थ या पहली परिभाषा आप जो देख सकते हैं वो आ रही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मींस मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन अवेलेबल टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी चाइल्ड। विशेष बात है यहाँ पर ध्यान देने की, इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि भारत में पैदा होने वाले या भारत में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी स्थान विशेष का रहने वाला हो, चाहे वो समुद्र किनारे रहता हो, रेगिस्तान में रहता हो, पहाड़ों पर रहता हो, जंगलों में रहता हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, किसी भी समूह का हो, और चाहे वो अमीर परिवार से हो, चाहे वो गरीब परिवार से हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और सरकार का उत्तरदायित्व है कि सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था वो करे। दूसरा अर्थ है, दूसरी परिभाषा मिलती है इसके बारे में, जिसको UEE आप शॉर्ट में कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का दूसरा अर्थ मिलता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मींस अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्लेस। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा जो कि आपके लर्निंग मॉड्यूल में लिखा हुआ है, और महाराष्ट्र प्रदेश का एक उसमें केस स्टडी दी हुई है कि किस तरह से जो गन्ना से संबंधित या चीनी मिलों से संबंधित जो वर्कर्स हैं, उनके बच्चों के संग समस्या क्या थी, या जो गन्ना उगाने वाले लोग थे या उनके संग जो और लोग जुड़े रहते हैं, कि गन्ने का सीज़न भारत में मुख्य रूप से लगभग अक्टूबर महीने में शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक चलता है। तो अब वो लोग अपना गांव छोड़ के आ जाते थे, चीनी मिलों के आसपास रहते थे, अक्टूबर के आसपास आ जाएंगे और मार्च अप्रैल में वो लोग वापस चले जाते थे। तो अब ऐसे में उनके बच्चे भी उनके साथ रहते थे। अब स्थिति ये हो गई कि शिक्षा ना तो वो अपने गांव में पूरी कर पा रहे हैं, और यहाँ चूँकि अक्टूबर नवंबर में वो आके रहना शुरू करते हैं, तो यहाँ के जो स्कूल थे आसपास के, उनमें भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत बढ़िया इनोवेटिव आइडिया महाराष्ट्र सरकार ने निकाला, और 2001 में उन्होंने साखर शालाएँ चलाना शुरू की, जिसको कुछ लोग शक्कर शाला भी कहते हैं, चूँकि चीनी मिलों के आसपास शालाएँ चलती थी। तो यादव जी, उसमें उल्लेख मिलता है इसमें कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कि सिर्फ 4-6 महीने ही चीनी मिलों के आसपास रहते थे, तो सरकार ने योजना निकाली कि हम जहां वो रहते हैं उन्हीं की चीनी मिलों के आसपास विशेष रूप से स्कूल चलाएंगे, और जब स्टूडेंट फ्री हों, जब बच्चे फ्री हों पढ़ने के लिए, तभी उनको शिक्षा दी जाएगी, सुबह हो या दोपहर का समय हो या शाम का समय हो। तो साखर शालाएँ उनको उसी समय शिक्षा देती थी, और वो लगभग 6 महीने चलते थे, अक्टूबर से ले कर मार्च या अप्रैल तक। उसके बाद वो किसान हों, चाहे वो मजदूर हों या और जो मिल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सब वापस चले जाते थे, तो उनके बच्चे भी उनके साथ वापस चले जाते थे। तो अब ऐसे में बच्चों की शिक्षा कैसे हो, बच्चे क्यों अपने माता पिता के व्यवसाय की वजह से या उनके कृषि की वजह से अपनी शिक्षा को छोड़ें। तो साखर शालाएँ करके उन्होंने नाम दिया, और उनको कहा गया कि आप 6 महीने यहीं पर रह के पढ़िए। तो उसको दूसरा नाम दिया गया है सेमेस्टर स्कूल, सेकेंड सेमेस्टर स्कूल।
अब सेकंड सेमेस्टर क्यों कहा गया, तो जो लोग सेमेस्टर सिस्टम को जानते हैं कि हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम लगभग जून जुलाई में शुरू हो जाते हैं और एक 6 महीने का पहला सेमेस्टर होता है और दूसरा सेमेस्टर लगभग नवंबर दिसंबर से शुरू होके और मार्च अप्रैल या कहीं जनवरी से लेके और अप्रैल मई तक चलता है। तो उस तरह से सेमेस्टर सिस्टम में देखा जाए तो ये सेकेंड सेमेस्टर के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उसको सेमेस्टर स्कूल का नाम भी दिया गया। तो जो दूसरी परिभाषा है वो ये बतलाती है कि हम जो जहाँ हैं जैसे है उसको हम शिक्षित कर पाएँ, उसके लिए हम शिक्षा की व्यवस्था करें। तो बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है हमारे सामने साखर शालाओं का कि जहाँ स्टूडेंट है वहीं आप उसको शिक्षा दीजिए। अब बात कर रहा था मैं एलिमेंट्री शब्द जो हमारे सामने आता है, तो आज वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे यहाँ शिक्षा के स्तर, लेवल्स ऑफ एजुकेशन की आप बात करें या उसके स्टेजेस की बात करिए, तो शिक्षा के स्तर को हम मुख्य रूप से 4 भागों में तो बांट सकते हैं, स्कूली शिक्षा को, और 5वां भाग आ जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन। तो आज के समय में जो प्रचलन चल रहा है 1986 के बाद जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिवीज़न हुआ है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन का, तो उसमें पहला आता है प्री स्कूल। प्री स्कूल भी अब सरकारों को उत्तरदायित्व हो गया है कि आप कक्षा 1 से छोटे जो बच्चे हैं जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है उनके लिए भी आप शिक्षा की व्यवस्था करिए, वो भी आप पढ़ेंगे। इसमें कई जगह उल्लेख आता है, आगे भी एक जगह हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो प्री स्कूल क्यों कहा गया, क्योंकि स्कूल सामान्य रूप से कक्षा 1 से क्लास 1 से शुरू होना माना जाता है कि स्कूल स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 1, तो उसको बोला गया प्री स्कूल। तो पहली स्टेज ऑफ एजुकेशन की आ जाती है, इट इज़ प्री स्कूल क्लास 3 एज ग्रुप देखें आप, आयु देखें तो 3 से लेकर 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो रहेंगे प्री स्कूल में। दूसरी स्टेज कहलाती है हमारे एलिमेंट्री स्टेज, जिसको अभी जिस पे हमारी आज बात हो रही है, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को मुख्य रूप से आप देखें तो क्लास 1 से क्लास 8, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो पूरी एक श्रृंखला है पढ़ने की कक्षाओं की, वो हमारे आ जाती है एलिमेंट्री स्टेज में। लेकिन इस एलिमेंट्री स्टेज में भी आप देखेंगे तो अगेन देयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लोअर प्राइमरी और सिंपली इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी, सामान्य रूप से इसको प्राथमिक कक्षाएं भी कहते हैं या अवर प्राथमिक भी कह देते हैं, और दूसरा होती है अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक। तो लोअर प्राइमरी या प्राइमरी कहा गया है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, फ्रॉम क्लास 1 से क्लास 5। इसकी आयु के अनुसार आप देखें तो फ्रॉम एज 6 से एज 11, 6 वर्ष की आयु से लेके 11 वर्ष की आयु तक के बालकों को कक्षा 1 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए, और 11 वर्ष के होते होते उनको अपनी क्लास 5 पास करके अगली क्लास में चला जाना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आ जाती है अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, जो कि शुरू होती है कक्षा 6 से, फ्रॉम क्लास 6 से क्लास 8, जिसकी आयु यदि देखें तो 11 से 14 ईयर्स, कि 3 साल में आप कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 को पढ़िए और आपकी 14 वर्ष की आयु होते होते तक आपकी 8th क्लास क्लियर हो जानी चाहिए, 8th क्लास से आपको पास हो जाना चाहिए। तो यहाँ आगे हम बात करेंगे, जब यूई की बात करते हैं तो इसमें सरकार ने अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से लेकर 14 तक की है, 8 वर्ष का समय है 6 से लेकर 14 तक, उनको शिक्षित करना, उनके लिए शिक्षाओं की व्यवस्था करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। तो इसलिए इस पूरी स्टेज को नाम दिया गया है एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री भी क्यों, हिंदी में अर्थ देखें तो प्रारंभिक क्यों, ये ऐसी शिक्षा का स्तर है जो कि प्रत्येक का अधिकार है और प्रत्येक को प्राप्त होना ही चाहिए, चाहे वो अपने मन से पढ़ने को आए अच्छी बात है, अन्यथा उसको हमें कम से कम इस कक्षा 8 तक तो जरूर पढ़ा देना चाहिए, जिससे कि उसका भविष्य का जीवन, उसका आगे का जीवन अच्छी तरह से चल पाए। और शिक्षा के महत्व से हम आप सभी लोग बड़े अच्छे से परिचित हैं, इस पर अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और शिक्षित होने का महत्व, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, और आपके किताबी ज्ञान होना, और उसके आधार पर आपको व्यवसाय करने में या अपने सर्विस करने में या आप किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करते हैं वहाँ भी आपको इससे बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए हर जगह कम से कम कक्षा 8 तक तो पास सभी को पूछा जाता है। इसलिए एलिमेंट्री एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो एवरी टाइम वी टॉक अबाउट फ्रॉम क्लास 1 से क्लास 8,
और वेन एवर वी टॉक अबाउट द एज ग्रुप देन इट इज़ फ्रॉम क्लास एज 6 टू एज 14. तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस समय तक बालक भी 14 वर्ष की आयु तक होते होते मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, चाहे वो बालक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. उनको शिक्षा का महत्व, शिक्षा की समझ उन्हें हो जाती है और फिर अपने आगे का जीवन कैसे चलाना है ये निर्णय वो स्वयं भी कर सकते हैं. उसके पश्चात फिर सेकेंडरी लेवल आ जाता है एजुकेशन का, जिसको क्लास 9th एंड क्लास 10th हम कहते हैं. तो 2 वर्ष का स्टेज है सेकेंडरी, जिसमें आयु 15-16 वर्ष हो जाती है. और हायर सेकेंडरी, जिसको सीनियर सेकेंडरी भी कहा जाता है, वो है क्लास 11th एंड क्लास 12th. तो इस तरह से भारत में पूरी हम वेन एवर वी टॉक अबाउट द स्कूलिंग, स्कूलिंग मीन्स फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक आपकी शिक्षा यदि पूरी हो गई है देन आप कह सकते हैं कि हमारी स्कूलिंग पूरी है, मेरी स्कूलिंग पूरी हो गई है. अब क्लास 12th के बाद अब आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किसी इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, इवन अब शिक्षा में भी आप देख रहे हैं. तो अभी 2 साल के अंदर आप देखेंगे तो इवन आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप क्लास 12th के बाद भी टीचर बनने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं. अभी सर, अच्छा जी सर, कॉल और ये क्वेश्चंस तो उसको ले लेते हैं पहले. हेलो हेलो, हाँ बोलिए. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा? सर मैं मोहम्मद असरान बोल रहा हूँ सर. कहाँ से, कौन सी स्टेट से? बिहार से बोल रहे हैं. हेलो बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ. अच्छा बताइए सर, अररिया डिस्ट्रिक्ट से क्या प्रश्न क्या है बताइए आप. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जिस बच्चे की उम्र 18 साल हो गई है, हाँ जी 19 साल हो गई है, ठीक है, तो वो बच्चे क्या सर वो जैसे पढ़ाई नहीं किए हैं तब वो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? क्या वो पढ़ सकते हैं या फिर वो प्राइमरी लेवल से अगर पढ़ेंगे तो सर? ठीक है सर, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ. उसका ये है कि अगर उसकी 18 वर्ष है बच्चे की, जैसे आपने कहा कि 18 वर्ष आयु है और उसने प्राइमरी और ये नहीं किया है तो कैसे वो करेगा, तो उसके लिए आप जो है उस बच्चे को, अगर उसने घर पे थोड़ा बहुत पढ़ा है या पहले कभी छोड़ दिया है थोड़ा बहुत पढ़ के एक क्लास से दूसरी क्लास से, तो वो ब्रिज कोर्स कर सकता है. ओपन जो जो हमारा डिस्टेंस मोड वाला है उस पर वो लेकर के ब्रिज कोर्स कर सकता है और उसके बाद में वो 10th क्लास 8वीं क्लास पास कर सकता है, फिर उसके बाद में 10th कर सकता है और फिर 12th क्लास के एग्ज़ाम वो दे सकता है. इस प्रकार वो अपनी पूरी सीनियर सेकेंडरी तक स्कूलिंग जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि तो स्कूल में उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है. अगर स्कूल में उसको प्राइमरी में डालेंगे हम या एलिमेंट्री लेवल पर डालेंगे कहीं 6ठी 7वीं 8वीं में, तो वहाँ पर उसको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए हम उसको डिस्टेंस मोड से इस तरह से शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं. अगर उस और सर अभी अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद में हम दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होंगे. स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया. शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय. इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32. शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर. टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है. भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है. मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और
इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल। भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। DLED trainee teachers, we again welcome you to the Vagda channel of NIOS। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपकी डेट शीट जो एग्ज़ाम की है उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम 31 मई, 1 जून और 2 जून को होने जा रहे हैं और इनका समय रहेगा शाम को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। जैसे कि हमने पहले सत्र में, इससे पहले जो डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता जी ने सारा आपको बताया कि एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या, कैसे वैदिक पीरियड में गुरुकुल के टाइम और वहाँ सारा सिस्टम इस तरह से होता था, तो ये सारा इतिहास बताया। उसके बारे में एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब है, कौन सी है, क्यों इसको इतना सिग्निफिकेंस दिया गया, अब इसके बारे में ये सोचा गया एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, जैसे कि बताया सर ने कि एलिमेंट्री एजुकेशन पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक की है और इसको हम और भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन 5वीं तक, पहली से 5वीं तक, और अपर प्राइमरी जो है 6ठी से 8वीं तक ले सकते हैं। इससे प्राथमिक से पहले भी प्री प्राइमरी एजुकेशन भी होता है, तो उसकी भी व्यवस्था अब ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में, ख़ासतौर से मैं कहूँगा दिल्ली में, इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है कि वो प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका भी स्कूलों में प्रावधान है और क्लासेस नर्सरी और उनकी बनाई गई है। तो इस तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन का ये अब इसको इम्पोर्टेंट इतना क्यों माना गया प्राइमरी एजुकेशन को, हमारे जो कंस्टिट्यूशन है उसमें भी कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा जो है पूर्ण करनी है उनको, चाहे वो कहीं भी है, जिस एज ग्रुप में है उस क्लास में उसको होना आवश्यक है। तो सार्वभौमिकरण का, सार्वीकरण का यही मतलब है कि जो इस एज ग्रुप में है वो इसमें स्कूल में होना चाहिए, चाहे वो पहली क्लास में हो, चाहे वो 6ठी क्लास में हो, चाहे वो 8वीं क्लास में है, और वो हर बच्चा उसको पूरा भी करे। ये नहीं है कि जो उसके जो दक्षता, जो कॉम्पिटेंसीज हैं 8वीं क्लास में होनी चाहिए, 6ठी, जो 8वीं क्लास तक की कॉम्पिटेंसीज हैं, दक्षताएं हैं, उनको वो अटेन भी करे पूरा हर बच्चा। ये नहीं है कि हम जो नोटिफिकेशन पॉलिसी के आधार पर हर बच्चे को आगे बढ़ाते जाते हैं, पहली क्लास से 2री क्लास में, 2री से 3री में, और इस तरह 10वीं क्लास तक, 9वीं 8वीं क्लास तक हम उनको इसी चीज़ के लिए कि भाई हर बच्चा पूर्ण कर ले, तो इसलिए उसको नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत वो किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है हर क्लास में, किसी बच्चे को भी पहली क्लास में डिटेन नहीं किया जाता। तो लेकिन अगर उसको कॉम्पिटेंसी जो होनी चाहिए उस क्लास की वो अगर नहीं आती है तो हमारा जो सार्वीकरण का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो डिफीट होता है। तो इसलिए इसका यही है कि उसको व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा उस एज ग्रुप का उसको अटेन करे। लेकिन अगर आज हम देखें इसको आज के कंटेक्स्ट में कि क्या पोजीशन है, बहुत सारे करोड़ों बच्चे आज भी, हमारे देश आज़ाद होने के इतने साल बाद भी अभी करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनमें भी अगर हम देखें आंकड़े तो उनमें से 50% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं
आठवीं तक क्लास तक आने तक, तो ये स्थिति है इस समय भी। तो इसके लिए अब बहुत कुछ प्रयास किए गए, उसका प्रोविज़न किया गया। 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया उसमें कंपलसरी किया गया कि ये हर बच्चे को लेना है, और उसमें बाध्य उसको पेरेंट्स को भी बाध्य किया गया कि उनकी भी ड्यूटी है और ये सोसाइटी की भी ड्यूटी है, कम्युनिटी की भी ड्यूटी है कि हर बच्चे को स्कूल में भेजना है। तो इतना करने के बाद भी अब 2009 से 2018 आ गया है, इम्प्लीमेंट होने के बावजूद अभी भी ये स्थिति है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वैसे अभी हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ भी अग्रसर है हमारा देश। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अभी एलिमेंट्री एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा गया। वो इसलिए समझा गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन का ये माना गया कि अगर 3 आवर्स का उसको नॉलेज है किसी भी जो हमारे सिटीजन्स हैं, तो उनको जो गोल है, हमारे नेशनल गोल हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। चाहे उसको ट्रेन करना है ITI के द्वारा, चाहे उसको और जो सोशल जो हमारी सोसाइटी के जो कुरीतियाँ हैं, जो सोशल एविल्स हैं जिसको हम कह सकते हैं, उनको कैसे हटाया जाए, उनका क्या नुकसान है, किससे सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है हम इसे एलिमेंट्री एजुकेशन तक अगर बच्चा, ये हर एक बच्चा अगर प्राप्त कर लेगा तो एक अच्छा सिटीजन बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा हमारा देश का, और वो देशभक्ति की भावना भी आएगी उसमें। और भी जो नेशनल गोल है कि एनवायरनमेंट को बचाना है, उसको जो है किस तरह से स्वच्छता अभियान का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया हुआ है अभियान, वो अभियान चलाना पड़ रहा है ये स्वच्छता अभियान, क्योंकि ये पहले ही हमें अटेन करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, हमारे माइंड सेट नहीं है उस तरह का, विज़न नहीं है, सोच नहीं है कि हमें सफाई रखने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बीमार हो सकते हैं और चीज़ें हैं। तो ये दूसरे देशों में, एडवांस कंट्रीज़ में हम देखते हैं तो सड़क पर भी आपको जो है एक कूड़ा दिखाई नहीं देता है, तिनका भी, कागज़ का टुकड़ा, और हमारे देश में जब देखते हैं तो चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई देते हैं। तो इससे बड़ा, एक बहुत बड़ा देश होने के नाते उसकी कंट्री की इमेज जो है धूमिल होती है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वो समझा गया, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट समझा गया। इसीलिए आप जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हमारे DL Ed टीचर्स हैं, ट्रेनी टीचर्स हैं, जिनके लिए NIOS के द्वारा ये प्रोग्राम MHRD की सरकार ने चलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको इतना इम्पोर्टेंट समझा है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमारे एलिमेंट्री लेवल पर, वो इतने कम्पिटेंट होने चाहिए कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जा सके, जिसमें अभी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपका रोल एक जो एलिमेंट्री टीचर है, जो जिस लेवल पर आप पढ़ा रहे हैं, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि आपको इस चीज़ का जब इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा तो आप इस चीज़ के अवेयर हो जाएंगे कि हमारा कितना बड़ा रोल है, तो आप भी उस चीज़ को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, किस तरह से करना है, कैसे बच्चों को रिटेन रखना है, कैसे हर बच्चे को स्कूल में लाना है, कैसे उसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब ही हो सकती है, जब हमारे एलिमेंट्री टीचर्स जो है अच्छी तरह से अवेयर होंगे, उससे भली प्रकार से उससे ओरिएंटेशन उसका होगा। तो इसी चीज़ के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आपका डिस्कशन आज के लिए हो रहा है। तो मैं डॉक्टर सतेंद्र गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आगे बढ़ाएँ अपनी चर्चा को। जी यादव जी, और आपने जो बात कही है उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने उदाहरण दिया विदेशों की, जब हम बात करते हैं तो विदेशों में भी मुख्य रूप से वो देश जो कि शिक्षा, यदि उनका देखें शिक्षा का स्तर या परसेंटेज और लिटरेसी देखें, तो बहुत हाईली लिटरेट कंट्रीज़ हैं। और इसलिए भारत सरकार भी ये चाह रही है कि जब जिन देशों में लोग पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे से एजुकेटेड शिक्षित हो जाते हैं, उन देशों की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है, उन देशों में समझदारी भी कह सकते हैं, या क्लिनलीनेस की बात करिए या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की बात करिए, तो लोग वहाँ अवेयर होते हैं। वो अवेयरनेस आती है केवल शिक्षा के कारण। तो इसलिए भारत सरकार का पहला प्रयास तो यही है कि किसी भी तरह से कम इस 8 साल की शिक्षा को तो प्राप्त कर लें। इस 8 साल की शिक्षा में आप देखें, एलिमेंट्री आपको साइंस पढ़ने को मिलती है, आपको बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, आप थोड़ी लैंग्वेज की जानकारी आपको मिलती है, फिर धीरे धीरे आपको डेवलप किया जाता है। अभी सर ने 3 R की बात की है, तो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये आपका मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कर देता है।
कि उसके बाद फिर आप खुद इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप खुद आगे जाके फिर अपने आप अपने शिक्षा को आगे कंटिन्यू करना है या कुछ और करना है। लेकिन आप एक कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा समझदार देश का नागरिक, तो देश में जब नागरिक पढ़ा लिखा समझदार होगा तो देश अपने आप उन्नति करता है। और हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे देश में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो मुझे अभी याद आ रहा है सर कि जैसे 2001 का आंकड़ा था तो लगभग 64% लिटरेसी की बात आती थी, अब 2011 का सेंसस जो आया है तो उसमें लगभग 75% से थोड़ा सा ऊपर देश में अंदर शिक्षित लोगों की संख्या आबादी के आ रही है कि देश की समय लगभग 75% से ऊपर की आबादी शिक्षित है। तो आप देखिए देश का विकास भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से भी हो, तो आपका लगातार विकास हो रहा है। तो सीधा दर्शाता है कि जैसे जैसे शिक्षा लोगों में मिलती है, लोग शिक्षित होते हैं, तो देश का विकास भी उसी अनुसार आगे की ओर बढ़ता है। तो इसलिए सरकार कम से कम आप कक्षा 8 तक तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, जिससे कि फिर आगे का रास्ता स्वयं चुन सकें। और अभी सर एक जो फ़ोन आया था जो पूछा था 18 वर्ष का हो गया है, तो अब कितनी बढ़िया जगह हम NIOS में बैठे हैं और NIOS के नियमों को पढ़ें, तो यही कहता है वो कि आप जब चाहें तब अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर सकते हैं। तो 18 वर्ष भले ही आपकी आयु हो गई है, आपने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की है, लेकिन आप घर पर बैठ के या अपने और आसपास के टीचरों से पढ़ के आप घर बैठे बैठे बहुत जल्दी जल्दी अपने 10th 12th को भी आप पास कर सकते हैं थ्रू द NIOS। तो NIOS मैं एक और भी एग्जांपल जी सर देखने को मिला उसमें जी सर कि एक जो यहाँ कुली है एक जी जी जो रेलवे स्टेशन पर उसको वाईफाई फ्री मिला है, तो उसने जो है डिस्टेंस बोर्ड से और इसे व्हाट्सएप ग्रुप से और इससे सारा करके और सारी जो लिंक करके उनके यूनिवर्सिटी से उनके चैनल से उन्होंने बहुत सारी अपनी 15 दिन प्लान। आपने उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि यदि इच्छा है आप में, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति हो, थोड़ी जागरूकता हो, तो रेलवे स्टेशन पे कुली भी रहा और सरकारी जो वाईफाई की सुविधा थी उसका उपयोग किया, तो आधुनिक शिक्षण के तरीके जो है उसका उपयोग किया और वो उसने अपनी 12th की शायद उसने परीक्षा इस बार अपने बोर्ड से पास कर ली। तो ऐसे बच्चे यदि जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो NIOS और इस तरह के और भी सरकारी माध्यम हैं कि जहां आप घर बैठ के अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। एक कॉन्सेप्ट भी आता है होम एजुकेशन, तो आप घर में रहिए, घर में भी अपना काम करिए और साथ साथ आप अपने आप को शिक्षित भी कर सकते हैं और इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी कहें उसको आप, या +2 कहें, कक्षा 12 वोकेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने किसी भी वोकेशनल कोर्स, टेक्निक को आप चाहें तो रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी आप अपनी पढ़ाई जितना चाहें कर सकते हैं जब तक चाहें। और ये नहीं कि आपको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ना, तो 8 साल लगेंगे। NIOS तो उसकी सुविधा देता है कि आप जल्दी जल्दी क्लास ऑन डिमांड एग्जाम दीजिए और आप आगे की कक्षाओं को पास। बहुत बढ़िया शिक्षक साथी ने प्रश्न पूछा था और मुझे लगता है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अब वापस आता हूँ मैं अपने विषय पर, तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसके अंदर हमें 3 aspects, 3 उसके हमें रूप स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एसेस एंड एनरोलमेंट, ये सबसे पहला इसका है। आप सर्किल देखें, सर्किल सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सल एसेस, सभी के लिए सुगम्यता हो, सभी को मिले, सार्वकीकरण है, ये सभी को मिले, जहाँ आप हैं वहाँ आपको मिले। क्योंकि जो अभी सर ने जो आपको याद दिलाया है राइट टू एजुकेशन, वो ये कहता है कि हर बालक को अधिकार है सरकार से इस बात की डिमांड करने की कि आप मेरे लिए शिक्षा की व्यवस्था करिए। यदि मेरे घर के आसपास स्कूल नहीं है तो आप मेरे घर के पास स्कूल खोलिए और मेरे को शिक्षित करिए। और उसमें तो नियम है कि हर 1 किलोमीटर पर यदि आबादी है तो हर 1 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए, जिससे कि बालक शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इवन यदि आपके माता पिता आपको पढ़ने नहीं भेजते हैं तो वो भी उसमें बाध्यकारी या पनिशमेंट बनाया है कि नहीं, माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी दी गई है। और जो आर्टिकल 51 है, जो हमारे 10 अधिकार हैं या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज जो हमें दी गई, तो उनमें एक ड्यूटी और जोड़ी गई है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको आप पढ़ने के लिए भेजिए। तो राइट टू एजुकेशन हो, UE हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, DPEP हो, ये सब सरकारी कार्यक्रम रहे हैं जिससे कि देश के लोगों को शिक्षित कर सकें। तो शब्द आता है यूनिवर्सल एसेस एंड एनरोलमेंट, कि जितने लोग इस देश में हैं, जितने बालक उस आयु वर्ग के हैं, सभी के पास शिक्षा हो और सभी को स्कूलों में एनरोलमेंट मिले, यानी सभी की भर्ती स्कूलों के अंदर हो जाए। फिर दूसरा, अब आपने एक बार भर्ती हो गए, आप आ गए स्कूल में, आपने एडमिशन ले लिया, आप क्या करेंगे?
तो एक प्रवृत्ति सर ने कही थी कि ड्रॉप आउट, कि लोग आते तो हैं पढ़ने के लिए लेकिन उसके बाद स्कूल छोड़ के चले जाते, उन्हें स्कूल पसंद नहीं आता है या शिक्षा का महत्व तो समझ में नहीं आया या शिक्षा का वातावरण जो स्कूलों में है वो समझ में नहीं आया, तो बहुत से बच्चे या किन्हीं अन्य कारणों से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो दूसरा बड़ा मेजर आस्पेक्ट आता है इससे यूई के अंदर, अटेंडेंस एंड रिटेंशन, कि अटेंडेंस हो, बच्चे आएँ, रोज़ आएँ, रोज़ स्कूल में पढ़ें और फिर एक क्लास पास करने के बाद अगली क्लास में जाएं, उसको पास करके फिर अपनी क्लास, एक चेन जो है आपकी कक्षा 8 तक की वो आप अपनी पूरी करिए। और तीसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा की क्वालिटी ऐसी हो स्कूल में, हमारे शिक्षकों की क्वालिटी ऐसी हो, हमारे टीचिंग मोड ऐसे हों कि बच्चे स्वयं अपने आप स्कूलों में आएँ और पढ़ें। कई बार लोग कहते हैं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे यादव जी मिला था एक बार, कि एक NIOS का ही वीडियो में देख रहा था, तो उसमें था कि बच्चे जब स्कूलों में आते हैं घरों से तो बड़े आराम से धीरे धीरे चलते हुए आते हैं, लेकिन जब स्कूलों से घर वापस जाते दौड़ लगाते हुए हंसते हुए जाते हैं। बोले क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि जब स्कूलों में आए तो दौड़ लगा के घर से चले, नहीं मम्मी मुझे जल्दी जाना है स्कूल, जिससे स्कूल में उनको मज़ा आए, और घर जाएँ वापस तो बुरा लगे कि क्यों मुझे घर जाना पड़ रहा है और क्यों नहीं मुझे स्कूल में रखा गया। तो इसका कारण क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि हमारी शिक्षा का स्तर, शिक्षण की प्रणाली, शिक्षक शिक्षा की पद्धति ऐसी हो कि बच्चे खुद अपने आप स्कूलों में आने के लिए जिद करें। तो सरकार का प्रयास रहा है तीनों आस्पेक्ट्स के ऊपर, कि सभी को शिक्षित करने के लिए हम विद्यालय उपलब्ध कराएं, शिक्षक उपलब्ध कराएं, कॉपी किताब, अब तो बहुत सी सरकारें ड्रेस दे रही हैं, जूते मोजे भी दे रही हैं कि आप आएँ स्कूलों में पढ़ें। अटेंडेंस के लिए मिड डे मील जैसी स्कीम्स चल रही हैं कि बच्चे पौष्टिक आहार भी लें और स्कूलों में बैठ के पढ़ाई भी करें, और माता पिता को उनके दिन के भोजन की चिंता करने की ज़रूरत ना रहे, जब वापस दोपहर में घर जाएं तो फिर अपना भोजन वो कर लें, और रिटेंशन रहे, क्लास छोड़ के ना जाएं, फेल ना हो और आगे की अपनी पढ़ाई करते रहें। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यदि अच्छी होगी तो ऊपर के दोनों जो बिंदु हैं वो अपने आप उसमें कवर हो जाते हैं। तो इस आधार पर हम बात करते हैं। हाँ, अच्छा, सर, फोन आ रहा है। ठीक सर जी, हेलो 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 हेलो, हाँ बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अपना स्लो कर लीजिए थोड़ा सा, टीवी का वॉल्यूम तो मैंने बंद कर दिया है। बंद कर दिया, थैंक यू। हाँ बताइए सर, बिहार से कहाँ से बोल रहे हैं बताइए, आप क्या पर्सन? क्या, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। वेरी गुड, बताइए सर जी। प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो इसमें किताब में दो बातें हैं कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 में लागू हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई। हाँ जी। तो प्रश्न अगर ऐसा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई तो क्या जवाब होगा? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि सर इनका मतलब ये है कि 1968 में सबसे पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, कोठारी कमीशन के बाद वो आई, कोठारी कमीशन भी उसके बाद कह सकते हैं। उसके बाद 1986 में आई, उसको मेन कह सकते हैं हम, उस समय प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विशेष रूप से बल दिया गया और 10+2+3 वाला सिस्टम जो लागू किया गया सारी जगह, कॉमन स्कूल सिस्टम वाली बात कही गई, इक्वलिटी की बात कही गई और प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया बहुत ज़्यादा। तो मेन जो हमारी नीति, मैं कह सकता हूँ कि 1986 में ही एक किस्म से हुई और उसके बाद में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 में और बीच में कमीशंस भी आते रहे कई। तो इस तरह से जो है ये आपकी इवोल्व हुई हमारी शिक्षा नीति और क्या क्या चीज़ें इसमें बातें हुई। फिर इसके बाद में आपने देखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क भी NCERT के द्वारा प्राप्त वो किया जाता है और उसमें हर एवरी 10 decades में 10 साल बाद तो उसमें भी ये चीज़ें बताई जाती है भाई कैसा हमारा कैरिकुलम होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, क्या हमारी शिक्षा के वो है और क्या उनमें शिक्षा नीतियों में जो 1986 वाली है या उसमें क्या क्या कहा गया, कमीशंस ने किसने क्या कहा, उन सब बातों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और कुछ ऐड करना चाहें सर? जी सर ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने और मतलब इसको है कि इन्होंने ध्यान से पढ़ा है सारी बातों को और आपने बहुत सही कहा कि यदि हम कहें कि पहली शिक्षा नीति देश में कब लागू हुई तो सर आपने बिल्कुल सही कहा 1968 में पहली बार भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने
पूरी देश के लिए शिक्षा नीति बनाई। 1986 का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि आज हमारा एक माइलस्टोन है, हमारा एक आधार बना हुआ है देश में शिक्षा की प्रगति को जांचने का, वो 1986 बना हुआ है। 1986 जिसका अमेंडमेंट 1992-1992 में हुआ था, इसलिए हर जगह आपको रेफरेंस जो मिलेगा वो 1986 का मिलेगा। अब तीसरी शिक्षा नीति आप कहें, जिसको नई शिक्षा नीति हम फिर कह सकते हैं, सरकार केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, उसका ड्राफ्ट भी आया था, अब 2018 में या 2019 जब भी पब्लिश हो जाएगी वो फिर आपके लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगी, तो एक तीसरी नई शिक्षा नीति हमारे सामने आ जाएगी। तो फिर देश का आधार शिक्षा का, देश में शिक्षा के बढ़ने का आधार क्या रहेगा, वो हमें गाइडेंस कहें या उसके पैरामीटर्स कहें या उसका बेस कहें, वो हमें फिर वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब शायद हम लोग 1986 की बात करना बंद कर देंगे, फिर हम लोग तीसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है फिर शायद उस पर हम बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना यादव जी? हाँ जी, मैं समझता हूँ इनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो मैं 68 से 86 के बाद अब जब भी जाएगी शिक्षा नीति तो फिर वो आधार मान के सरकारें अपनी शिक्षा नीतियों के बारे में बात शुरू करेंगी कि हाँ इस लेवल तक हम आ गए हैं, अब इसके बाद अगले लेवल पर हमें पहुँचने का प्रयास करना है। चलिए अब हम आते हैं सर कि जो इस यूनिट नंबर 5 का मुख्य आधार है इसके अंदर, कि कई सारी प्रदेश सरकारों ने अलग अलग तरह से अपने यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट एजुकेशन का प्रावधान किया है, तो कुछ उदाहरण इस मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तो उदाहरणों के ऊपर हम लोग वापस आते हैं। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जब आप देखेंगे इसमें तो सबसे पहला लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक से सहायता ली और वर्ल्ड बैंक से सहायता लेकर उसने पूरे प्रदेश में उन्होंने उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। इस शिक्षा नीति का, इस शिक्षा का प्रोजेक्ट का फायदा सर क्वेश्चन है। अच्छा सर, देख लीजिए जी। हेलो सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र पटेल, पथरिया जिला दमोह से बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर, बताइए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हम लोग समय दे के नाइट या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, तो उसको सर्टिफाइड कैसे करेंगे? ठीक है, इनका प्रश्न है कि अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको सर्टिफाई कैसे करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है या इसके बारे में बात कहें, एलिमेंट्री एजुकेशन तक की बात कहें, तो कोई भी पेरेंट अगर ये अंडरटेकिंग देता है कि मैंने उस बच्चे को, अपने बच्चे को चौथी क्लास तक अपने घर पर ही पढ़ाई है, इसने शिक्षा प्राप्त की है, तो उसी अंडरटेकिंग को मान लिया जाएगा और उसी आधार पर उसको पाँचवीं क्लास में एडमिशन मिल सकता है। केवल पेरेंट्स की उसमें अंडरटेकिंग होगी। अगर मैंने अपने बच्चे को स्कूल में नहीं किसी कारणवश से ला सका हूँ, मैं एनरोल करवाया है लेकिन ये पहली क्लास दूसरी क्लास में कहीं पढ़ा था, उसके बाद में तीसरी क्लास और चौथी क्लास की मैंने घर पर ही इसकी शिक्षा प्राप्त करवाई है, जैसे भी इसने पढ़ाई की है, और अब इसको पाँचवीं क्लास में प्रवेश दिया जाए, तो उसको पाँचवीं क्लास में प्रवेश मिल जाता है उसके अंडरटेकिंग के आधार पर। एलिमेंट्री एजुकेशन तक ये सिस्टम है, और अगर आगे जाता है बच्चा तो फिर आपको NIOS है ही आपके पास, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो उसके अंदर से जा कर के ब्रिज कोर्स और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो है स्कूलिंग पूरी कंप्लीट इससे डिस्टेंस मोड से कर सकता है और उसका सर्टिफिकेशन NIOS करेगा। तो मैं समझता हूँ इनको मिल गया होगा सर, बहुत बढ़िया, लेकिन और कोई बात ऐड करना चाहे तो? सब बिल्कुल सही है। हाँ। आपने जो तकनीकी जो ज्ञान था पूरा उनको दिया है। हाँ, मैंने बात शुरू की थी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो पहले तो मैं जो प्रोजेक्ट्स आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश का है, एक बिहार का है और एक राजस्थान का है, और फिर चौथा है उसमें महाराष्ट्र का, तो ये क्यों दिए गए हैं, क्यों इनको सिलेक्ट किया गया, कई सारे प्रोजेक्ट चले हैं। तो सर जो मैंने इसके बारे में पढ़ा और समझा है कि इनकी विशेषता एक तो ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में चलाए गए, इसमें भारत सरकार केंद्र सरकार ने भी सहायता दी, और इससे बड़ी बात है कि इनको बाहर से विदेशों से फंड मिला है, इसलिए इनका महत्व तो यहाँ पर ज़्यादा है कि बाहर की एजेंसीज ने हमें फंडिंग दी है हमारे देश के अंदर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में। तो सबसे बड़ा उदाहरण जो उत्तर प्रदेश का मिलता है
कि 1993 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से यूपी गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कॉल और आ रहा है। जी सर। हाँ जी बताइए सर। हेलो। हेलो। हाँ बताइए कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो सर, मुझे आर्टिकल 45 के बारे में जानना है सर। थोड़ा ऊंचा बोलिए मैडम थोड़ा सा। आर्टिकल 45 के बारे में जानना है। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 45 के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सर इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 45 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर सही। और कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो इसमें सर? जी सर, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है आर्टिकल 45 के बारे में कि ये तो है ही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और एक संविधान में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है 2002 में, जिसमें कि आर्टिकल 45 को रिवाइज किया गया है। हाँ जी, हाँ। और उसका जो न्यू वर्जन है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हाँ जी। इसमें लिखा हुआ है जो न्यू आर्टिकल 45 है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन। अभी तक 2002 तक जब अमेंडमेंट नहीं हुआ तब तक तो था सरकार केवल कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक, इसका अर्थ हुआ आयु वर्ग 6 से लेके 14 तक की शिक्षा की व्यवस्था करेगी। परंतु जब ये अमेंडमेंट आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया है 2002 में, तब सरकार ने इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी जोड़ दिया। हाँ जी। कि अब आपको प्री एजुकेशन यानी कि स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, आंगनबाड़ी जिसका उदाहरण मिलता है, कि उन बच्चों की भी देखभाल, उनका शारीरिक मानसिक विकास अच्छा हो और उनको शिक्षा मिले, यानी कक्षा एक में जाने से पहले भी उनको शिक्षा मिले। हाँ जी, उसके लिए भी सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया। हाँ। लोकसभा राज्यसभा के अंदर। हाँ, और उसको जोड़ दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बाकी हाँ, तो वही है, शॉर्ट में हम ECC भी बोल देते हैं, कहते हैं अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन बिफोर द एज ऑफ 6। ये भी अब गवर्नमेंट ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम इनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, इनकी हेल्थ की चिंता हम करेंगे। ये भी आर्टिकल 45 में आ गया। हाँ जी। पहले सामान्य था केवल आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात थी, वो तो अब है ही है, और प्लस उसमें ये जोड़ दिया गया कि अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी आपको उसके अंदर जोड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा इनको। जी हाँ सर, आगे बढ़ाएं अपने। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था तो 1993 में लॉन्च हुआ है, और इसका उद्देश्य यही था जो कि उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल या उत्तराखंड अलग अलग राज्य नहीं थे, एक ही राज्य था। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से प्रयास हुआ था, जिसमें NGOs का भी उन्होंने सहारा लिया है, और इसमें एक जो नाम मिलता है, एक उन्होंने एक सोसाइटी बनी हुई थी, इस सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि इस UP बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट को देख रही थी, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, UP एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप पूरे प्रदेश में जितने भी उसमें 68 जिलों का उल्लेख मिलता है कि उनमें आप शिक्षा की व्यवस्था देखिए और प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिले। आज हम जो जब यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसके आधार के ऊपर ये शुरुआत हुई थी। इसमें आप देखेंगे टेक्निकल रूप से इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज इसके लिए बनाई गई सरकार की तरफ से, वो आपके सामने आ रही हैं, जिसमें डाइट्स वगैरह 1986 के बाद आना शुरू हुए थे, लेकिन उसके पहले उस तरह का कॉन्सेप्ट था कि जिला स्तर पर सभी लोग अपने यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करें। एक्टिविटीज़ में इसमें ये जोड़ा गया था कि आप जो यूपी एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसमें एक्टिविटीज़ कराइए, उसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन हों, साइंस एंड एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जाए, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ सोशल जस्टिस दिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसमें 63 जिले थे, जो मैंने शायद 68 बोले, 63 जिले थे, जिसमें 10 जिलों को टारगेट बनाया गया था जहाँ की उस समय की शिक्षा का स्तर बहुत कम था अन्य लोगों की या देश की तुलना में, तो उसके नाम आपकी किताब में लिखे हुए हैं। तो 10 जिलों में पहले प्रोजेक्ट लाया गया, तो जो कि वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड था। सर अभी एक हम छोटा ब्रेक लेंगे जी, और उसके बाद में पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। We'll be right back.
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, Educated India. शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता DTH स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब DD डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और IGNOU का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है।
शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच, NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। ट्रेनी टीचर्स, ऑल ऑफ यू आर अगेन वेलकम टू द NIOS वाग्दा चैनल। और एक बार डेट शीट अपने जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनकी ज़रूर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, किसी ने नहीं किया तो, ये आपकी स्क्रीन पर है। और अभी जो हमारी चर्चा चल रही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो वो पहले वाले जो इससे पहले ब्रेक से पहले आपको अच्छी तरह ध्यान है, मैं दोबारा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। उसमें यूनिवर्सलाइजेशन का क्या मतलब है, एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या है, उसका इतिहास थोड़ा, इसके बाद में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के जो मेन चार कंपोनेंट हैं, तीन चार, जो उनके बारे में बताया गया सर ने। जैसे कहा यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस, क्या हर बच्चा जो है 1 किलोमीटर की जो भी इनहेबिटेंट है, जो भी जो बच्चा रह रहा है, जिसका घर है, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, एलिमेंट्री लेवल तक का स्कूल, 8वीं तक का स्कूल ये होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सेस। इसके बाद में दूसरा जो बात है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। जो बच्चा जिस एज ग्रुप का है 6 से 14 साल का, वो प्रत्येक बच्चा किसी ना किसी स्कूल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, एनरोल्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि वो स्कूल से बाहर हो और उसके उसकी जो एज ग्रुप है वो 6 से 14 का होना चाहिए, होती है, और वो स्कूल से बाहर किसी काम कर रहा है, कोई अपने किसी चीज़ में ढाबे पर काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। 6 से 14 एज ग्रुप के बच्चे, प्रत्येक बच्चा उसमें स्कूल में एनरोल्ड हो। तीसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। जो बच्चा वहाँ एनरोल हो गया स्कूल में, तो वो रिटेन होना चाहिए 8वीं क्लास तक। ये नहीं है पहली क्लास में आने के बाद और 8वीं तक, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 50% से ज़्यादा बच्चे छोड़ जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8वीं क्लास करते करते, और जो बाहर हैं वो तो हैं ही हैं बाहर, बहुत सारे बच्चे, करोड़ों बच्चे, और उसके बाद जो आ जाते हैं पहली क्लास में वो भी छोड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में चौथा जो मेन कंपोनेंट है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग। जो कम्पिटेंसीज हैं 8वीं क्लास तक, वो प्रत्येक बच्चा उसको प्राप्त करे, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग की बात है, कि जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसमें यूनिवर्सलाइजेशन में, कि जब मानेंगे हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जब 8वीं तक की जो दक्षताएं हैं, कम्पिटेंसीज हैं, उनको हर बच्चा, तो गरीब अमीर, लड़की हो लड़का हो, ट्राइबल एरिया हो रिमोट एरिया हो, ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं का भी बच्चा है, तो वो उसको अटेन करेगा, तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को जो लक्ष्य है उसको हमने प्राप्त किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्वयं वाला जो चैनल है, वो हमारे जो DL Ed ट्रेनी टीचर्स हैं, उन्होंने सभी ने, मैं समझता हूँ सभी रजिस्टर्ड हैं उस पर, और जो आपके लगातार ये प्रसारित किए जा रहे हैं कार्यक्रम, उससे मैं समझता हूँ आपको बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन होगा, और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जो चीज़ आप बुक से या किसी और सोर्स से पढ़ते हैं 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में 5 घंटे में एक टॉपिक तैयार करते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो उस चीज़ को आप आधे से भी कम समय में इसके चर्चा के विषय से, जो डिस्कशन का मेथड है, जो यहाँ पर हम एक्सपर्ट बुलाते हैं, उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसकी लर्निंग हो सकती है आपको। तो जो भी रजिस्टर्ड नहीं है उनको अवश्य रूप से, और इसके लिए प्रावधान भी रखा था NIOS ने कि भाई हर
जो हमारा डीएल ट्रेनी टीचर है वो स्वयं जो चैनल है जिस पर ये कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उनका सारा मटेरियल भी अवेलेबल है और लेक्चर्स भी अवेलेबल है, सारी चीज़ उस पर ज़रूर रजिस्टर्ड आपको होना चाहिए और उस पर लगातार प्रोग्राम को आपको देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ हमारे अधिकतर जो शिक्षार्थी हैं वो उस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इससे लाभान्वित ज़रूर होंगे वो, और जिन्होंने नहीं किया है कोई रह भी गया है तो उसको ज़रूर रजिस्टर करा लें और इसका लाभ उठाएं। ये जो प्रोग्राम है वो आपके लिए ही समर्पित है। तो मैं समझता हूँ कि इतना होने के बाद में अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता जी से कि आगे बढ़ाएं चर्चा को। हाँ जी, तो सर अभी जैसे हमने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर और जो कि वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड था, 1993 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था यूपी में उस समय, उसी तरह का एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका उल्लेख हमें मिलता है वो है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, जिसको इन शॉर्ट वी कैन से बीईपी। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट की विशेषता यही है कि इसको बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने, और एक जगह उल्लेख मिलता है कि यूनिसेफ ने भी इसको इस फंड दिया था, इसमें पैसा सरकार ने लगाया था। तो ये अपने आप में एक ऐसा पहला बड़ा स्तर का अभियान था जो कि पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया गया और जिसकी फंडिंग प्रदेश के बाहर से आई थी, ये इसके अपने आप में एक विशेषता है। इसका भी उद्देश्य यही था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और उस समय एक शब्द जो बड़ा प्रचलित में था एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा। तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी को शिक्षा मिले, सभी को शिक्षित किया जाए, और पूरे बिहार में आज भी इसी नाम से शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर बीईपी के नाम से, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के नाम से चल रही है। इसके प्रारंभ में इस बात पे जोर दिया गया था कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एससी एसटी हैं या बीमेन स्पेशली हैं, जिनको लोग शिक्षित करने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। फिर धीरे धीरे अन्य लोगों के शिक्षा व्यवस्था के अंदर जोड़ा गया है। और बाकी जो अभी हम लोगों ने बात की थी यूईई यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वकीकरण, तो जो उसका उद्देश्य था कि आयु वर्ग 6 से लेके 14 तक के बालक बालिकाओं को शिक्षित करना, भाई इसका भी उद्देश्य है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट भी यही कहता है कि जो बच्चे हैं वो सभी लोग आएँ, सभी लोग पढ़ें, हम सभी की शिक्षा पे ध्यान दें, उनके लिए हम स्कूलों की व्यवस्था करें। तो उस समय इसकी शुरुआत जो हुई थी वो बिहार के 3 ज़िले थे शुरुआत में जहाँ से इसको प्रारंभ किया गया था, और जिसमें मुख्य रूप से हमें जो नाम मिलते हैं वो नाम मिलते हैं रोहतास का नाम आता है, रांची का नाम आता है, वेस्ट चंपारण का नाम। जैसे आपको याद है उस समय जब शुरुआत हुई थी तो झारखंड अलग नहीं था, तो झारखंड और बिहार उस समय जो संयुक्त रूप से थे वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और निश्चित रूप से मुख्य रूप से ऐसे वर्गों के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया था जो कि शिक्षा व्यवस्था से बाहर थे, जैसे मुख्य रूप से बीमेन और एससी एसटी स्टूडेंट्स आते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव रहते प्रोजेक्ट के। फिर इस प्रोजेक्ट के आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको फिर स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी और इसके आप डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या की गई थी, तो वही था कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू उनको पढ़ाया जाए और उनके लिए अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं इसमें की जाएँ। और टीचरों को भी ट्रेनिंग देने की बात इसमें थी और टीचर्स अच्छे ढंग से कैसे क्लास में पढ़ाएं वो भी रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कैसे अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल कराया जाए, तो वो सब इसकी एक्टिविटीज़ के पार्ट इसमें रहे हैं। तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट अपने आप में एक विशेषता रखता है, और इसमें ये भी था कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका कम से कम हर साल में 2 बार उनको देखा जाए, उनका सुपरविज़न किया जाए, तो ये इसके अंदर विशेष बातें हमें देखने को मिलती हैं। और क्लासरूम्स का है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है स्कूल्स के अंदर वो व्यवस्थाएं इसमें करनी, तो डिटेल आप पढ़ेंगे तो वो आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, एक अगला जो प्रोजेक्ट आता है उसका नाम है लोक जुम्बिश, उसको जुम्बिश भी लिखा गया है, लोक जुम्बिश इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया था और राजस्थान सरकार ने 1992 में इसकी शुरुआत की थी। इसकी भी विशेषता क्या है कि राजस्थान सरकार ने तो अपना योगदान दिया ही था, राजस्थान के एनजीओज़ ने अपना योगदान दिया है, और साथ ही साथ लोक जुम्बिश को जो फंडिंग मिली थी वो मिली थी स्वीडन से। स्वीडन देश की एक संस्था है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी SIDA,
उसने इस लोक जंबिश कार्यक्रम को स्पॉन्सर्ड किया था राजस्थान के अंदर। इसकी विशेषता क्या थी? लोक जंबिश मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये गर्ल्स एजुकेशन पे बेस्ड है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के जो डिप्राइव सेक्शंस हैं उसको एजुकेशन देने की व्यवस्था करनी है, और जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल जो है ऑब्जेक्टिव सरकार का, वो पूरा करना था। बट लेकिन मुख्य रूप से था गर्ल एजुकेशन के ऊपर कि लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, या राजस्थान में देखा गया ऐसा लड़कियों की संख्या स्कूलों में कम थी, या उनके माता पिता नहीं भेजते थे, या स्वयं नहीं पढ़ना चाह रही थी, या समाज में अवेयरनेस नहीं थी कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए। तो लोक जंबिश एक बहुत पॉपुलर उसमें प्रोग्राम रहा है जो कि गर्ल एजुकेशन पर बेस्ड था। और इसकी विशेषता एक और है, जब ध्यान से इसको पढ़ते हैं आप देखते हैं कि सरकार ने वहाँ के लोगों को इसमें जोड़ा था। इसको हम ये कह सकते हैं सरकारी कार्यक्रम नहीं था, इसमें सरकार का था कि इट इज़ द पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, कि ये वहाँ की जनता का आंदोलन है, वहाँ की जनता की जिम्मेदारी है कि सभी लोग पढ़ें, सभी को शिक्षा मिले। तो इसलिए इसमें मिलता है कोटेशन पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा हो, सार्व शिक्षा हो, सार्वजनिक रूप से शिक्षा हो, उसके लिए सरकार ने प्रयास चलाया था। तो लोक जंबिश कार्यक्रम बड़ा अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, और जो कि राजस्थान में शुरू किया गया 1992 में, और टारगेट तो सरकार ने बनाया था कि 2000 तक हमारे प्रदेश में सभी उस एज ग्रुप के लोगों को शिक्षा मिल जाए। लेकिन समस्याएं रहती हैं, और लेकिन धीरे धीरे सरकार ने कोशिश की है कि 2000 तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि मोबिलाइजेशन हो और सभी लोग इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ें। तो इसमें एक लोक जंबिश का आप देखेंगे तो आपके जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि लिटरेसी लेवल चाहती थी सरकार कि हमारे यहाँ 80% तक आ जाए, कि जो हमारे यहाँ 15 से 35 साल के जो उस समय की जो जनता थी, जो नागरिक थे राजस्थान के, उनमें कम से कम 80% लोग इसको पढ़ें, आगे बढ़ें। और उनको जो हम लोगों ने पहले बात की थी 3R की, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, उसका भी उनको ज्ञान हो। और जो हमारा समाज का वंचित वर्ग है और जो महिलाओं को वंचित रखा जाता है उनको भी, तो इसमें ना तो धर्म आधार बनाया गया, ना जाति आधार बनाई गई, ना स्थान आधार बनाया गया, सभी को एजुकेशन फॉर ऑल का ऑब्जेक्ट लोक जंबिश के अंदर रखा गया था। इसमें भी यही था इसके ऑब्जेक्टिव में कि हमें इस तरह से ट्रेनिंग और टेक्निकल रिसोर्स अवेलेबल कराने हैं जिससे कि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाए और ट्रांसपेरेंसी बढ़े और डेटा कलेक्शन सही हो और सभी लोग इसके अंदर जुड़े। फिर एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट और आता है कि ऑटोनॉमस बॉडीज बनाएंगे। क्वेश्चन आ रहा है जी सर। हेलो हेलो। हाँ सर बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? कुठारी आयोग के बारे में थोड़ा बताइए। कुठारी आयोग? हाँ जी बोलिए बोलिए, क्वेश्चन प्रश्न क्या है सर आपका? हाँ, कुठारी आयोग बारे में बोले। कुठारी? हाँ, कुठारी आयोग। कुठारी आयोग। हाँ, अच्छा कुठारी आयोग के बारे में। कुठारी आयोग तो वही कुठारी आयोग। अब वैसे देखा जाए तो भारत में 1964 से मैं इस्टेब्लिश हुआ था डीएस कोठारी जी के अध्यक्षता में। 1966 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और इसको भी अपने आप में भारतीय शिक्षा में जितनी भी कमीशन्स कमेटीज़ आई हैं उसमें ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, अपने आप में आधार है। क्योंकि कोठारी कमीशन्स की रिपोर्ट्स आने के बाद पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश हुई है, और कोठारी आयोग ऐसा आयोग है जिसने शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हर लेवल पर उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दी थी। उसके पहले जो आयोग थे, किसी ने प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखा, किसी ने माध्यमिक को ध्यान में रखा, किसी ने केवल उच्च शिक्षा पे ध्यान दिया, लेकिन कोठारी आयोग ने समग्र रूप से पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पे अपने विचारों को प्रकट किया। तो उन्हें सजेशंस दिए थे कि हम कैसे पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते हैं, कैसे उसको सुधार ला सकते हैं। और अभी एक जो अध्यापक साथी ने पहले फ़ोन करके पूछा था कि सर हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 मानी जाएगी कि 86 मानी जाएगी, तो 1968 की जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो कोठारी आयोग के दिए गए अनुमोदनों के रिकमेंडेशंस के आधार पर ही आई थी। तो कोठारी आयोग को एक तो आज का विषय भी नहीं है, और लेकिन इतना आसान भी नहीं है उसको समझाने, इतना विस्तृत है सर वो कि उसको आप अलग से चर्चा करें तो बहुत डिटेल में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उसका एक योगदान है कि
उसने पूरे स्कूल सिस्टम को सिस्टमेटाइज किया है, क्लास का लेवल क्या हो, क्लास किसको प्राइमरी कहोगे, किसको प्री प्राइमरी कहोगे, किसको सेकेंडरी कहेंगे, किसको सीनियर सेकेंडरी कहेंगे, कहाँ से आपका डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन शुरू होगी। फिर आप देखते हैं डिग्री लेवल पर भी दो लेवल आ जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, उसके बाद रिसर्च पीएचडी चला जाता है। शिक्षकों की कैसे दशा को सुधारा जाए, शिक्षकों का वेतनमान क्या हो, ये भी अनुमोदन, ये भी रिकमेंडेशंस कोठारी आयोग ने अपने समय में दी थी। तो कोठारी आयोग अपने आप में एक माइलस्टोन माना जाता है, एक बहुत बड़ा बहुत सारी बातें बहुत के बारे में कही गई है विस्तृत रूप से। हम लोग शिक्षा के जब विद्यार्थी होते हैं तो बहुत विस्तार में उसके बारे में पढ़ते हैं, कोठारी आयोग के बिना उसके संदर्भ दिए तो हम कहीं बात कर ही नहीं पाते हैं। और सर सबसे अच्छी बात उसका जो कोटेशन है, जो जब आयोग की रिपोर्ट है जहाँ से शुरुआत होती है कि द डेस्टिनी ऑफ द कंट्रीज बींग शेप्ड इन द क्लासरूम, कि हमारे देश का भविष्य हमारी क्लासों में निखारा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो यही एक लाइन बता देती है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि देश को यदि आपको आगे बढ़ाना है तो आपको देश के लोगों को शिक्षित करना होगा। यहीं से कोठारी का कोटेशन शुरू होता है, तो ये हमेशा हर जगह इसको कोट किया जाता है। मुख्य हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पर आज टॉपिक है, उसको आगे बढ़ाएं सर जी। तो बात कर रहा था मैं लोक जंबिश के बारे में, तो ये राजस्थान सरकार ने अपने चलाया था 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई है, और इसमें उन्होंने अपने देश की प्रदेश की जनता को जोड़ा है, सबका सहयोग लिया है, और मुख्य रूप से इन्होंने क्योंकि महिलाएं थीं तो महिलाओं को पढ़ाने के लिए भी महिला शिक्षिका होनी चाहिए, तो वो भी इन्होंने इस पर ध्यान दिया है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उनको ट्रेनिंग दे के फिर वीमेन ही वीमेन को एजुकेट करें, उस पर उन्होंने ध्यान दिया था। और एक विशेष बात सर इसमें और आती है कि लोक जंबिश कार्यक्रम जब सरकार ने चलाया तो वो ये देख रहे थे कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कमियाँ क्या हैं, तो उसमें मेजर पॉइंट ये आया था कि टीचर्स का एब्सेंटिज्म, कि टीचर स्कूलों में पढ़ाने के लिए आ ही नहीं रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी है, उनको नौकरी मिली हुई है, उनको पढ़ाने के लिए आना है, लेकिन वो पढ़ाने के लिए आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए फिर एक ये निकाला गया तरीका कि हम ऐसा करते हैं कि जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं हम उन स्कूलों में वहाँ के लोकल लोगों को ही हम एजुकेट करके, या जिन्होंने कक्षा 8 तक की एजुकेशन ली हुई है हम उनको ही एक टीचर के रूप में उस स्कूल में अपॉइंट कर देंगे, और वहीं फिर वो अपने आसपास के बच्चों को वहाँ पर वो पढ़ा दें। तो एक स्कीम सरकार ने उस समय निकाली थी, ये लोक जंबिश के अंदर ये विशेषता इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसमें एक शब्द आता है प्रवेश उत्सव, कि जब स्कूल सेशन शुरू हो रहा हो, जब स्कूलों में एनरोलमेंट शुरू हो रहा हो, तो उस समय एक प्रवेश का उत्सव मनाना चाहिए, एडमिशन फेस्टिवल। जी सर बिल्कुल, यहाँ भी मनाया गया था, दिल्ली में। मतलब वो परंपरा 1991 में राजस्थान से हमें रेफरेंस मिलता है इसका, कि माता पिता को भी आप मोटिवेट करिए, बच्चे को मोटिवेट करिए, टीचर्स डोर टू डोर जाते हैं, उनको समझाते हैं, सेंसिटाइज करना सबको, सेंसिटाइज करिए, उसका यूजफुलनेस बताइए, उसका एडवांटेज बताइए। तो प्रवेश उत्सव का उदाहरण हमें यही लोक जंबिश के अंदर देखने को मिलता है, और वो अब धीरे धीरे पूरे देश के अंदर आ रहा है, कि जैसे हम त्यौहार मनाते हैं उसी तरह से बच्चे का प्रवेश कराने का त्यौहार भी हो। यह एक बात और समझ याद आ रहा है इस प्रवेश उत्सव से, कि जब हम अपने भारतीय संस्कारों की बात करते हैं तो उसमें एक संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार, कि हम लोग जो 16 संस्कार मुख्य रूप से माने गए हैं, तो जब बालक की औपचारिक शिक्षा शुरू होती थी पहले समय में घरों में, तो भी विद्यारंभ एक संस्कार होता था, बाकायदा पूजा पाठ होता था, ईश्वर के सामने बिठाते थे। तो शायद वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कि जैसे हम पहले और आज भी देश के कई हिस्सों में विद्यारंभ संस्कार बड़े उत्साह से लोग मनाते हैं, तो उसी तरह से क्यों ना हम बच्चों को स्कूलों में बड़े उत्साह के साथ में लाएं, उनके सेंसिटाइज करें उनके पेरेंट्स को, आस पड़ोस के लोगों को। तो प्रवेश उत्सव का भी उदाहरण हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, सारे समाज को, सारी कम्युनिटी को इसमें सेंसिटाइज होता है, उससे अवेयरनेस आती है। एक सीज़न आ गया है, एडमिशन सीज़न आ गया है, और एडमिशन सीज़न में आप इसमें चले। तो लोक जंबिश कार्यक्रम एक हमें राजस्थान सरकार का मिलता है, और दूसरा एक जो सभी उपस्थित होते हैं, टीचर्स भी सारे स्कूल के जो जी सर आप अधिकारी हैं वो भी रहते हैं, और जो कम्युनिटी के लोग आते हैं जिनका बच्चे का एडमिशन होता है, वो पेरेंट्स में भी बहुत सारी बातें होती है, बच्चे के भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई स्कूल कैसा है, डर्स का संभव होता है जब बच्चा नया नया स्कूल में जाता है, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए भी फेस्टिवल के रूप में अगर मनाया जाए तो उससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो उनके मन में जो भी शंकाएँ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो भी उनके आंसर ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं,
और चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई और कम्युनिटी के लीडर हो, चाहे और कोई समाज का व्यक्ति है, तो हर उसको कैसे क्या प्रक्रिया होनी है और स्कूल में कैसे कैसे ये सुविधाएं हैं, क्या चीज़ है, सारी चीज़ों का उसमें बातें की जाती है। अभी प्रश्न आ रहा है उसको हम लेते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो नहीं, हेलो, हाँ जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। जी सर, ट्राइबल एरिया में और रिमोट एरिया में, हाँ जी, स्कूलों में कितने दिनों में, प्राइवेट स्कूलों में? हाँ जी, मैं एमपी से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से। हाँ बताइए, प्रश्न क्या है आपका, ट्राइबल एरिया में क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे वो बताना चाहिए था कि सुपरविजन कितने दिनों में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुपरविजन कितने दिनों में होना चाहिए? कह रहे हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो और कोई दूरगामी क्षेत्र हैं, उनमें सुपरविजन कितने दिनों में होना चाहिए, ये एमपी से बोल रहे थे, ट्राइबल एरिया से। जी जी, तो मैं समझता हूँ सुपरविजन एक प्रक्रिया है कि उसमें जब टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में या कार्यक्रम कोई चलता है तो कई बार कई तरह से सुपरविजन होता है। एक अचानक औचक निरीक्षण भी कहते हैं, सुपरविजन भी कहते हैं उसको, अचानक बिना किसी सूचना के किया जाता है। और कई बार सुपरविजन इस तरह से भी किया जाता है, पहले बता दिया जाता है कि इस विद्यालय का सुपरविजन इस तारीख को होगा, तो उसमें पूरी टीम जाती है तो वो सुपरविजन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से कहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, किस विद्यालय की, ग्रामीण क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, क्या है वहाँ पर सुपरविजन का सिस्टम, वो तो ये वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं वही इसमें बता सकती है कि क्या आवश्यकता है, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये उनकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, मैं ऐसा तक समझता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, डाइट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि कब कहाँ में कैसे करना है। तो उनकी अपनी ये लोकलाइज चीज़ें हैं, इसको आप पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। मैं लोक जम्बिश की बात कर रहा था, तो इसकी एक्टिविटीज़ में सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाना उनका टारगेट था। महिला शिक्षा बिहार उन्होंने बनाया है, ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक है तो उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएँ, उनको पढ़ना है तो उनको यदि घर से दूर है स्कूल तो उनके लिए महिला शिक्षा बिहार नाम से जगह हॉस्टल बनाए गए जिसमें वो रह के पढ़ सकें। दूसरा इन्होंने एक प्रोजेक्ट उसमें डाला था बालिका शिक्षा शिविर, कि यदि जो ऐसी बालिकाएं जो 9 साल से बड़ी हैं और उनको शिक्षित होना है, उनको पढ़ना है और उनके घर से दूर स्कूल है, तो उनके लिए महिला बालिका शिक्षण शिविर वहाँ लगाए गए। मुक्तांगन एक नाम इन्होंने रखा था, तो मुक्तांगन के अंदर इन्होंने रखा था कि आप खांडार क्लस्टर है वहाँ पर। एक कॉल और आ रहा है। अच्छा सर, लेते हैं। हेलो जी सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? शिक्षा कर्मी परियोजना क्या चलना है सर? आप पहले कहाँ से बोल रहे हैं मैडम, बताइए आप। जी मैं बोकारो से बोल रही हूँ। बोकारो से, प्रश्न क्या है बताइए आपका सर? शिक्षा कर्मी परियोजना। जी अभी बात करूँगा। हाँ अभी, हाँ जी जी, अभी शिक्षा कर्मी, बस एक मिनट का आप धैर्य रखिए, शिक्षा कर्मी परियोजना पर बात मैं कर रहा हूँ। तो मुक्तांगन की बात कर रहा था, तो मुक्तांगन ये एक जगह है राजस्थान में किशनगढ़ ब्लॉक, उसके अंदर ये शुरू किया गया था खांडेलर क्लस्टर के अंदर। ऐसे ही मदरसा भी इन्होंने खोले थे जो कि भरतपुर के कामन ब्लॉक के अंदर इन्होंने शुरू किए थे, लोक जम्बिश के अंदर। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सहज शिक्षा केंद्र भी शुरू किए गए थे, ये ऐसे बच्चों के लिए इन्होंने शुरू किए थे जो कि वर्किंग चिल्ड्रन हैं, जो कि कहीं की, जैसे आपने उदाहरण दिया था, कहीं ढाबे पर है, होटल पे है, या घरों में है, या कम फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो उनको भी शिक्षित करने के लिए इन्होंने व्यवस्थाएं की थी। और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया था और आंगनबाड़ी सेंटर्स भी चलाए थे। तो लोक जम्बे से बहुत विस्तृत रूप से चलाया गया कार्यक्रम था। सर अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, इसके बाद में हम जो है उन्हें उपस्थित होंगे। और अभी इस सत्र में आपने जैसे बताया कि ये जो प्रोग्राम लोक जम्बिश वाला प्रोग्राम जो राजस्थान में चला, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया गया, उसके बारे में सारी आपने रूपरेखा बताई और क्या क्या उन्होंने लेकर के, जैसे गर्ल्स हॉस्टल का, तो ये सारी बातें इसके बाद में हम पुनः ब्रेक के बाद उपस्थित होंगे। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया,
Educated India. शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। शिक्षार्थियों, दोबारा से आपका स्वागत है NIOS वाग्दा चैनल में। और अभी जो डेट शीट है आपके एग्ज़ाम की, वो पुनः स्क्रीन के ऊपर है, तो अगर कोई इससे नहीं अवगत है तो उसको ज़रूर नोट कर ले, अभी तक नहीं किया तो। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, उस पर जो अभी सत्र में पहले वाले में जो ब्रेक से पहले जो चर्चाएँ हुई है, वो मैं थोड़ा सा उस पर डालना चाहूँगा प्रकाश, कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जो प्रोग्राम चलाए गए अलग अलग स्टेट्स ने, अलग अलग तरीके से लोग जुम्बिस की, जैसे बात राजस्थान का बहुत ज़्यादा चर्चा में आज भी इसका होता है, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चला था राजस्थान में। राजस्थान में ख़ास तौर से लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो है समाज में जो एक किस्म, मैं कुरीति कहूँगा कि उनको समाज, उनको भेजना नहीं स्कूल में, जो आधी जनसंख्या हमारी है वो वंचित रह जाती है शिक्षा से, और आधी अगर जनसंख्या हमारी वंचित रहती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे हमारे देश के विकास में कितनी बाधा आ सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसी लेवल पर इस समय काम कर रहे हैं, और हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का रोल प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए अग्रसर है हमारा देश, तो आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे को स्कूल में लाने की और उसको रिटेन करने की। वहाँ पर स्कूल विद्यालय में अगर वहाँ पर जॉयफुल एनवायरनमेंट नहीं है स्कूल में, अगर टीचर ने एनवायरनमेंट उसको पढ़ाने के तरीके गलत इस्तेमाल किए हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं किया है, तो बच्चा जो है स्कूल में उसको नीरसता आएगी और वो जो है स्कूल से दूर भागने लगेगा। तो एक टीचर का और जो हेड टीचर है, प्रिंसिपल है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल में इस तरह का हो कि वो उसको प्रेरित करे बच्चे को स्कूल में। एक अभी कॉल आ रहा है, उसको लेते हैं पहले। हेलो। हेलो, हाँ बताइए मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बिहार से बोल रही हूँ, मेरा नाम पूनम भारती है। अच्छा पूनम भारती जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
मेरा प्रश्न है सर, DPEP जो है कब लागू हुआ है? हाँ, उसके बारे में अभी बताएंगे आपको। अभी इन्होंने DPEP के बारे में पूछा है, जो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री एनहेंसमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हाँ जी, हाँ जी, जी सर जी, तो उसके बारे में कह रहे हैं कंप्लीमेंट, वो शायद बताने जा रहे हैं आप। पहले शिक्षिका महोदया ने प्रश्न पूछा था शिक्षा कर्मी के बारे में, तो मैं थोड़ा सा जुम्बिस के बीच में मैंने ये बात रख दी थी। और शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट भी राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था, 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, और लोक जम्बिश कार्यक्रम इसके बाद आया था। लोक जम्बिश आप देखें तो 91-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट उसके पहले ही आ गया था, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को जोड़ दिया था बीच में। शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट है क्या? तो यहाँ पर वो समस्या जो आ रही थी कि जब देखा गया कि जो यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट एजुकेशन में हमें कौन कौन सी बाधाएँ आ रही हैं, हम क्यों नहीं उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, तो सरकार ने जब सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि टीचर एब्सेंटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कारण है कि टीचर स्कूलों में आते ही नहीं है, सैलरी लेते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। तो फिर जब टीचर ही नहीं आएगा स्कूल में तो पढ़ाएगा कौन, तो स्टूडेंट शिक्षित कैसे होंगे और हमारा सर्व शिक्षा अभियान कैसे अचीव कर पाएंगे हम? तो सरकार ने उसका एक जो तोड़ निकाला या उसके लिए उनको सुझाव मिला कि हम क्यों ना ऐसा करें कि जो कि टीचर्स दूसरी जगह के होते हैं, वहाँ पढ़ाने नहीं जाते हैं या दूर गाँव में नहीं जाना चाहते हैं, अब राजस्थान है तो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र भी है, वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं, तो ये हुआ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि वहाँ के लोकल के ही थोड़े कम पढ़े लिखे सही उन्हीं को हम वहाँ पर शिक्षक बना दें, शिक्षक के रूप में उनको नियुक्ति दे दें। तो जो सिंगल टीचर स्कूल्स थे, ऐसे स्कूल जिसमें केवल एक ही शिक्षक था, हम वहाँ एक शिक्षक के बदले में दो शिक्षा कर्मी रख देंगे, उनको नाम दिया गया शिक्षा कर्मी, कि जो रेगुलर टीचर के स्थान पर वो खुद पढ़ाएंगे। और उसमें भी सबसे बड़ा इसका क्या है एडवांटेज कि इसमें सरकार को सहायता मिली स्वीडन से, स्वीडन की वही संस्था, उसने उसको सरकार को आर्थिक सहायता दी, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसने उसको फंड दिया सरकार को कि शिक्षा कर्मियों के ऊपर जो खर्च होगा वो हम आपको देंगे, और आप इनको ऐसे स्कूल जहाँ समस्या है और शिक्षक पढ़ाने नहीं आ रहे हैं वहाँ पर इनको पढ़ाने के लिए शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति करिए। इसमें मुख्य ये था कि इनकी शिक्षा, जो शिक्षा कर्मी थे, बाद में इसके लिए अंग्रेजी शब्द आया है पैरा टीचर्स, देश में बहुत से जगह पे पैरा टीचर्स आ गए हैं, तो पैरा टीचर्स कॉन्सेप्ट बाद में आया है, वो फिर मध्य प्रदेश में पैरा टीचर का कॉन्सेप्ट इसी राजस्थान को देख के और भी प्रदेशों ने अपने शिक्षकों की कमियों को दूर किया कि चलो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत हाई ना हो, लोअर क्वालिफिकेशन सही। तो यहाँ भी यही रखा था इन्होंने कि जो मेल टीचर हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट क्लास 8th होनी चाहिए, और जो वीमेन टीचर हैं उनके यदि 5th स्टैंडर्ड भी पढ़ी लिखी हैं तो हम उनको लोअर प्राइमरी प्राइमरी में पढ़ाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, और जो महिला शिक्षिका हैं उनको शिक्षित करने, उनको ट्रेन करने के लिए भी लेडी टीचर्स को ही इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो ये कॉन्सेप्ट मिलता है अबाउट द शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट ऑफ द राजस्थान। अब दूसरा DPEP के बारे में इन्होंने बात की थी, तो सर उस पर भी हम आएंगे। अभी बीच में एक छोटा सा हमें और एक बात करनी है इसमें, वो है जो कि स्पेशल केस स्टडी ऑफ द महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र सरकार एक स्पेशल इनके सिलेबस में दिया गया है उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब महाराष्ट्र के स्कीम्स को देखते हैं जी, अब इसको देखिए आप, तो इसमें महाराष्ट्र की स्कीम्स को देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी स्पेशली फॉर द सोशली डिप्राइव चिल्ड्रन, कि महाराष्ट्र में भी आप देखें तो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मिलते हैं, नोमेडिक जो कहलाते हैं घुमंतू जाति के लोग बहुत मिलते हैं वहाँ पर, ट्राइब्स हैं, तो उनके बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, उसके लिए वहाँ की सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसको कि आपको विशेष रूप से पढ़ना है। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो हाईलाइटेड हैं आपके सामने, स्टाइफंड अप टू क्लास 10th, कि 10 तक की आप पढ़ाई पूरी करें उसके लिए सरकार ने स्टाइफंड देने की व्यवस्था की, फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई, बोर्डिंग हाउस चलाए कि यदि आपके घर से दूर है स्कूल, आप दूर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आपके बोर्डिंग हाउसेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तैयार करके दिए, हॉस्टल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज़, कि आप हॉस्टल्स बनाएँ जहाँ पर स्टूडेंट रह के पढ़े, नेशनल बोर्ड ऑफ टैलेंट रिसर्च भी इस्टेब्लिश किया इन्होंने कि उसके थ्रू हम टैलेंटेड बच्चों को सर्च करें, SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को हम सर्च करें,
और उनको हम स्टाइफन वगैरह दें, अलाउंसेस भी दिया कि आप पढ़ने आइए क्लास में तो उसके लिए रोज का आपको एक रुपये दिया जाएगा। तो अटेंडेंस अलाउंस भी महाराष्ट्र सरकार ने चलाया कि आप किसी भी तरह से स्कूल आइए, मतलब कह सकते हैं लालच देने के कई तरीके दिए। उसमें कंडीशन लेकिन ये थी कि 75% अटेंडेंस कम से कम आपकी होनी चाहिए पूरी सीजन में, तभी हम आपको रोज का एक रुपया पढ़ने के लिए देंगे। आश्रम स्कूल्स भी इन्होंने चलाए हैं महाराष्ट्र ने, और बुक स्कीम्स भी, बुक बैंक स्कीम भी चलाई थी जिसमें कि बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी बुक बैंक्स के थ्रू उनको किताबें मिल जाती थी, एक साल वो किताबें अपने पास रखते थे, फिर उन बुक्स को अगली क्लास में जाने पर वापस कर देते थे स्कूल में, तो नई क्लास में नई बुक्स उनको मिल जाती थी, और पुरानी किताबों से पुरानी क्लास में जो बच्चे आते थे उनको वो लोग पढ़ते थे। तो यहाँ एक एक करके मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले स्कीम्स फॉर गर्ल्स है जो कि आपके इसमें आता है सिलेबस के अंदर, तो उसमें जो एक बात अभी मैंने कही थी गर्ल्स के लिए क्या स्कीम थी कि अलाउंस फॉर अटेंडेंस कि आप आइए पढ़िए, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट टू लेके फोर्थ तक इन्होंने रखा था कि आप रोज़ आइए रोज़ पढ़िए, उसके लिए हम आपको रोज का एक रुपया पढ़ने के लिए देंगे। फ्री ट्रैवलिंग स्कीम फॉर गर्ल्स इन अहिल्या बाई होलकर के नाम से इन्होंने दी थी कि आप स्कूल में पढ़ने जा रही हैं तो आपको बसों में पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको ट्रैवलिंग का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो 1997 में गवर्नमेंट ने स्कीम महाराष्ट्र में शुरू की थी, उसका देखे देखी स्कीम पूरे देश में कई प्रदेश सरकारों अपने यहाँ पर शुरू की है। उद्देश्य केवल यही है टू अचीव द टारगेट ऑफ UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा, सार्व शिक्षा, सबको शिक्षित कर पाए हम, उसके लिए सरकार ने स्कीमें चलाई हैं। एक इन्होंने चलाया था जो एक नाम मिलता है इसके अंदर, क्वेश्चन एक सर आ रहा है जी, सर आप क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ सर, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ, बदायूं से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सर। उत्तर प्रदेश से, बताइए सर। जी सर, मेरा सवाल ये है SIEMT सर क्या है? हैं जी सर, SIEMT क्या है? अच्छा ठीक है, SIEMT। अच्छा सीमेट इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ स्टेट इंस्टीट्यूट है। प्रदेश स्तर पे भी जैसे NCERT पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, उसी तरह से फिर स्टेट में SCERT अपना काम देखता है, पूरे प्रदेश की शिक्षा की योजना SCERT बनाता है। उसी SCERT के अंडर में सीमेट भी एक प्रोजेक्ट आता है जिसको कि सीमेट हम इन शॉर्ट बोल देते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ SIEMT क्या नाम बोला इन्होंने, सीमेट उसका फुल फॉर्म मिलता है, वो SCERT के अंडर काम करता है। और उसका भी ये पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर स्टेट जो बनती हैं वो सीमेट के अंडर में आती हैं। फिर डाइट्स को भी ट्रेन करना, डाइट के टीचर्स को ट्रेनिंग देना, डाइट्स को भी सुपरवाइज करना, ये भी सीमेट के अंडर में काम आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात की है तो इलाहाबाद में इसका हमें सेंटर मिलता है, SCERT और सीमेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ स्टेट इंस्टीट्यूट है, मेथड्स एंड ट्रेनिंग। जी ट्रेनिंग का काम है मुख्य रूप से उनका, तो ये ट्रेनिंग का, डाइट का भी है, SCERT का भी है, टीचर्स का, डाइट के टीचर्स को ट्रेन करना, टीचर एजुकेटर्स को ट्रेन करना, तो ये काम इनके अंडर में आता है। हाँ मैं महाराष्ट्र में बात कर रहा था तो मातृ प्रबोधनी एक प्रोजेक्ट चलाया था कि जिसमें जो माताएँ हैं उनको शिक्षित करना कि वो अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, तो ये प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है स्कीम्स फॉर गर्ल्स। एक और अच्छा प्रोजेक्ट चलाया था महाराष्ट्र में आर्मी स्कूल फॉर गर्ल्स, तो एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर नासिक में बोहर करके, बोर वहाँ पर इन्होंने बोहर करके है नाम उसका, तो वहाँ गर्ल्स को आर्मी ट्रेनिंग देने की बात इन्होंने कही थी, और यदि कोई गर्ल उस फिजिकली फिट है तो आगे फिर उसको और ट्रेनिंग उसको मिल सकती है। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है। जी सर। हाँ जी। हेलो 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 हेलो। हाँ बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? क्या? कौन सी स्टेट से बोल रहे हैं सर, बताइए अपना प्रश्न क्या है। यूपी से सर, यूपी आप तेज बोलिए। हाँ जी बताइए सर। यूपी से बोल रहे हैं। यूपी से? हाँ आप प्रश्न बताइए। क्या अपना प्रश्न बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका? क्या आपका प्रश्न क्या है, क्वेश्चन बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो हेलो। एनसीबीटी और एससीबीटी क्या है? हाँ जी एक्टिविटी एनसीबीटी और एससीबीटी क्या है?
क्लैरिफाई करें जरा जोर से, धीरे धीरे बोलें तो समझ में आएगा। एक्टिविटी और हेलो एनसीबीटी और एससीबीटी क्या है, ये किस जगह पढ़ा है आपने? हेलो आपके मॉड्यूल में किस जगह आता है? नहीं क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं, सॉरी आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। या तो आप ये बताइए कि आपके किस मॉड्यूल में किस पेज पर ये शब्द आए हैं, तो वहाँ से देखकर फिर हम आपको इसका स्पष्टीकरण दे पाएंगे। प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा इनका, क्या पूछना चाहते हैं इसलिए आगे चलिए सर। सर चलिए, तो महाराष्ट्र में एक दूसरी स्कीम जो गर्ल्स के लिए थी उसमें समूह निवासी स्कूल भी इन्होंने चलाए थे, और इसके बाद एक दूसरी स्कीम महाराष्ट्र सरकार की मिलती है स्कीम्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, कि ऐसे बच्चे जो कि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिनका वीक है, जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं जिनकी, तो उनको भी पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें, तो उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस समय 1978 की स्कीम है ये, स्कॉलरशिप देने का उन्होंने निर्णय किया कि हम ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, और उस समय डिसाइड किया था कि हम 70 रुपये देंगे। इस 1978 की बात है कि उस समय 70 रुपये हायर सेकेंडरी लेवल तक मिलेंगे, और गर्ल होंगे यदि तो उनको 80 रुपीज़ मिलेंगे एज स्कॉलरशिप। एक इन्होंने चलाया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, वहाँ भी ये बात आई थी कि आपकी अटेंडेंस यदि 75% रहती है, ये 1956 का प्रोजेक्ट है, इसको EBC नाम दिया गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड इस कमीशन नाम था इसका, कि 1956 में स्कीम आई थी ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, कि आपकी अटेंडेंस यदि स्कूल में 75% है और आप हर साल पास करते हैं तो आपको उस समय 15,000 रुपये आपके पेरेंट को आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के फॉर्म में। एक स्कीम इन्होंने और दी थी न्यूट्रिटिव डाइट की, जो प्रोजेक्ट है वो 1995 में आया था ये, कि इसमें बच्चों की सेहत का ध्यान रखने के लिए वो आगे देंगे। एक स्कीम का नाम और मिलता है जो कि 1993 में शुरू हुई थी 1993 में, सावित्री बाई फुले पेरेंट एडॉप्शन स्कीम, ये बहुत अच्छी स्कीम आई थी अपने आप में, कि इसमें ऐसे पेरेंट एडॉप्शन का अर्थ यहाँ पर ये मिलता है कि हम चाहें, आप चाहें, स्कूल के प्रधानाचार्य चाहें या और टीचर्स चाहें या कोई और समाज का संभ्रांत व्यक्ति चाहे, तो वो स्कूल के बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उनको अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट का अर्थ यहाँ पर था कि उसकी शिक्षा पर जो खर्च आ रहा है वो खर्च उस पेरेंट को बहन करना होगा, उस अभिभावक को उसका खर्च देना होगा। तो 1993 में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि आप जो गर्ल्स हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं आप उनकी पेमेंट, तो ये लेकिन स्कीम केवल 7th स्टैंडर्ड तक के लिए थी, कि कक्षा 7 तक की जो लड़कियां पढ़ रही हैं केवल उनके लिए आप ये स्कीम ला सकते थे। और उस समय एक बच्ची के पढ़ाने में सरकार का लगभग 30 रुपये खर्च हो रहा था, तो कम से कम 30 रुपये उन्होंने एडॉप्शन की बात की थी, 30 रुपये आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए देने पड़े तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी में बुक बैंक स्कीम आ जाती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन में, कि जो मैंने पहले बतलाया था कि आप बुक्स आपको स्कूल से ही मिलेंगी, फिर पढ़ाई करने वाले बुक्स को वापस कर दीजिए, फिर वो बुक्स से दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। एक स्कीम और महाराष्ट्र में आई थी स्कीम्स फॉर डिस्टेंट एरिया चिल्ड्रन, कि ऐसे बच्चे जो कि महाराष्ट्र में बहुत दूर दूर रहते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, तो 1970 में स्कीम आई थी और उसके लिए उन्होंने ये स्कीम रखी थी, और न्यूट्रिटिव डाइट स्कीम उसमें रखी थी, उनकी सेहत का ध्यान रखा गया था, और 0 से 6 वर्ष के बच्चे यानी जिनका जन्म हुआ है और 6 साल तक की आयु होने तक उनकी डाइट का ध्यान रखना, उनके खान पान का ध्यान रखना, ये इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया था। फिर एक स्कीम और आती है स्कीम फॉर डिस्टेंट एरिया चिल्ड्रन, जिसमें आश्रमशाला एक नाम आता है, कि उनके लिए आश्रमशालाएँ खोली गई थी कि आप दूर दूर से आएंगे तो वो बच्चे वहीं पढ़ेंगे या उनके घर के आसपास सरकार व्यवस्था करेगी पढ़ने की, तो आश्रमशालाएँ खोली गई थी, और उसमें भी आश्रमशालाओं के 2 स्तर बनाए गए थे, बेसिक आश्रमशाला जो कि स्टैंडर्ड 1st to 7th तक था, और दूसरा था पैरा बेसिक आश्रमशाला जो कि स्टैंडर्ड 5th to 10th तक के लिए बनाया गया था। एक और इसी में आता है विद्या निकेतन, एक स्कीम सरकार की तरफ से आई थी जो कि टैलेंटेड ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लाई गई थी, और उसमें था और मुख्य रूप से यवतमाल केलपुर क्षेत्र में रही थी, और 1981 की स्कीम है ये, कि उसमें ये भी स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए थी,
और उसमें उनके लिए स्कूल बनाए जाते थे और जिसका नाम दिया गया था विद्या निकेतन। फिर एक और नाम आता है कर्णशाला, कुरानशाला नाम मिलता है। कुरानशाला भी मोबाइल स्कूल के फॉर्म में ही आया था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूप में ही आया था कुरानशाला करके, और उसमें भी मुख्य रूप से दूर के बच्चों को जो दूर रहते हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। एक स्कीम और जो इसी के कंटिन्यूशन में आती है, स्कीम फॉर डिस्टेंट एरिया चिल्ड्रन, तो जिसमें था चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये महाराष्ट्र स्टेट ने स्टार्ट किया था 1982 में विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, और इसमें भी बुक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था कि बुक्स विल बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन फॉर फुल ऑफ डिफरेंट, जिसमें कि पिक्चर्स बनी होंगी, कलरफुल होंगे, जिससे कि बच्चों को बुक्स आकर्षित करें और वो अट्रैक्ट हों अपने बुक्स की तरफ और उन बुक्स के बारे को पढ़ें वो ध्यान से। तो एक स्कीम लाई गई थी। एक स्कीम और इसी में आती है, स्कीम फॉर डिस्टेंट एरिया चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो बहुत दूर रहते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं। द प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज की ऐसा एक प्रोजेक्ट लाया गया था। एक जो सर बहुत बड़ी समस्या आती है, एक पिछले कार्यक्रम में भी एक प्रश्न जो आया था कि ट्राइबल एरिया के संघ में समस्या क्या है कि उनकी अपनी भाषा है और वो शुद्ध हिंदी या दूसरी वहाँ की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो लेकिन उनको भी एजुकेट करना है, उनको भी शिक्षा के अंतर्गत लाना है। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्कीम चलाई थी कि हम ऐसा करेंगे कि हम ट्राइबल बच्चों की किताबें जो हैं उनकी ही भाषाओं में छापेंगे और उनके जो टीचर्स हैं उनको भी उनकी मातृभाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि टीचर बायलिंगुअल होके और एक इंटरप्रेटर की तरह काम कर पाए, जो कि उनकी ट्राइबल लैंग्वेज भी बोल पाए और खड़ी हिंदी यदि क्षेत्र है तो हिंदी बोल पाए या मराठी क्षेत्र है तो मराठी बोल पाए, और जिससे कि ट्राइबल प्रोजेक्ट में जो बच्चे हैं, क्षेत्र के बच्चे हैं, वो भी धीरे धीरे शुद्ध भाषा की तरफ उनका डाइवर्जन हो जाए। तो एक प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। फिर एक और इसमें स्कीम आई थी जो कि ऐसे बच्चों के लिए थी जो कि स्कूल से बाहर है, तो इसमें कई नाम मिलते हैं, जिसमें एक नाम है ब्रिज स्कूल, इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, शाखर शाला जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, शाखर शाला या शक्कर शाला जिसको कहा गया है, केप प्रोजेक्ट, रिमेडियल टीचिंग क्लासेस और बस्ती शाला। तो ये कुछ और प्रोजेक्ट्स थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो कि वहाँ के उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए हुए हैं। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, पहले बात करते हैं जो ऐसे बच्चों के लिए स्कीम फॉर आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं या ड्रॉप आउट हो गए हैं या कभी पढ़ते थे या उन्होंने स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वापस भी स्कूल सिस्टम में आ जाएं। तो सरकार स्कीम लेकर आई थी ब्रिज स्कूल करके, जिसमें कि 45 दिन तक उनको रिग्रस उनकी जो भी छूट गया है करिकुलम वो पढ़ाया जाएगा और 45 दिन के अंदर उनको तैयार करके फिर उनको उनकी रेगुलर प्राइमरी या सेकेंडरी क्लासों में उनको भेज दिया जाएगा। जो पोजीशन है उसके बारे में अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जी सर, कि आज भी जो हमारी राजधानी है, हाँ दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल सर, उसके अंदर मिशन बुनियाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अच्छा। तीसरी क्लास से लेकर के और नौवीं क्लास के लिए जी। वो इसीलिए है कि जो उनकी वो कहते हैं एक छोटा सा शब्द भी नहीं लिख सकते हैं, राइटिंग उनकी स्किल नहीं है बिल्कुल, इंग्लिश का बोलने का नहीं है और कोई चीज़ भी, जो बेसिक जो बातें हैं जो होनी चाहिए उनको वो भी उनका ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए मिशन बुनियाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी एक कॉल आ रही है सर, उसको लेते हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बताइए मैडम। हाँ जी, ये प्रारंभिक शिक्षा प्राधिकरण में UEE क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, UEE जो आप जो कह रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइज UEE, ये अभी तो बताया गया है आपको, इसको कई बार UEE को हम दूसरे फॉर्म में भी ले जाते हैं, और जैसे कि TLCA है, टोटल लिटरेसी कैंपेन भी चलाया गया उसको अचीव करने के लिए, लेकिन वो लिटरेसी लेवल का बात थी, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, जो आज का टॉपिक है सार्वभौमिकरण, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और उसको बताया था उसके चार कंपोनेंट हैं मेन, उसमें यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस होना चाहिए, 1 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे को स्कूल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, बच्चा स्कूल में एनरोलमेंट हो गया है तो उसको एनरोल कराना है,
और उसके बाद में रिटेंशन उसका होना चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन। और जब उसका जब रिटेंशन जब होगा, जब वहाँ पर अट्रैक्टिव जॉयफुल एनवायरनमेंट होगा, टीचिंग मेथड टीचर अच्छा करेंगे, वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ पूरी होंगी, जैसे कि ये प्रोग्राम जो और स्टेट में चलाए गए उनमें भी लड़कियों के लिए चलाए गए, उनके लिए हॉस्टल की प्रोवाइड किया गया, और चीज़ें दी गई, साइकिल दी गई, उनको आने जाने का खर्चा दिया गया, वो सारी बातें उसी चीज़ पर आधारित है कि कुछ ना कुछ हम बेसिक एमिनिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करें ताकि वो उसको जो है वो रिटेन करें। और 14 साल तक का जब बच्चा ना हो जाए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, लड़के और लड़की में बहुत भेदभाव बढ़ता जाता था, पहले उनको स्कूल में भेजा नहीं जाता था, लड़कियों को घर के जो कामकाज हैं उन्हीं में ही लगा रहती थी वो, और इसलिए उनकी शिक्षा नहीं हो पाती थी लड़कियों की। तो यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, 6 से 14 साल के बीच में जो भी बच्चा है वो स्कूल में होना चाहिए, और वो उसको पूरा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, जो 8वीं तक का जो दक्षताएं वो प्राप्त करना चाहता है किसी विषय की, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे और कोई सामाजिक ज्ञान है, उसका विज्ञान है, साइंस है, तो उसकी जो दक्षताएं हैं, कॉम्पिटेंसीज, उनको वो अचीव कर ले, इसका मतलब ये है। हाँ जी, अभी एक और कॉल आ रहा है, उसको हम लेते हैं। आपका कॉल पर रखा गया है, कृपया लाइन। हेलो, नहीं आ रहा। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि जो आपका इसमें जो टीचर्स हमारे जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और आप समझ भी सकते हैं अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, डिफ़िकल्ट पॉइंट है, कोई कंटेंट है, चाहे वो मैथमेटिक्स का है चाहे और किसी विषय का, विज्ञान का, उसको आपने ढंग से नहीं पढ़ाया है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से नहीं लिया गया है, तो वो उससे दूर भागने लगेंगे विषय से, और उनकी समझ में नहीं आएगा और उसको मुश्किल लगेगा, और वो स्कूल से भी दूर हो जाएंगे। स्कूल में बच्चे को एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल लिबरल होना चाहिए, कक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी उनको सुविधा देनी चाहिए, उनको पूरा चांस देना चाहिए, ये नहीं है कोई प्रश्न जो है झिझक होती है बच्चों में, जो छोटे बच्चे आते हैं तो प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो सोचते हैं कि टीचर ये कहेगा या दूसरे बच्चे ये कहेंगे, इसको इतना भी नहीं पता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने छोटी छोटी जो उनकी बातें हैं, प्रश्न है, उनको एनकरेज करना है, बच्चों में बहुत सारी क्यूरियसिटी होती है, तो वो उसको जो है जिज्ञासाओं को आपने उभारना है और प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, ताकि वो अपने जो उनको शंकाएँ हैं, जो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो जो है वो चीज़, और अपना भी वो कर सके, मूल्यांकन कर सके, और आप भी टीचर से जे उसको पता लगता है कि भाई हमारी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से जो हमने पढ़ाया है वो सीख नहीं पाए हैं बच्चे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का है, सीखने का है, सिखाने का है बच्चों को, अब जो हम बात चीज़ पढ़ा रहे हैं वो अच्छी प्रकार से बच्चे सीख जाएँ। तो ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं और आपके मेथड्स हैं, एनवायरनमेंट आपका कैसा रखते हो, ये सारा डिपेंड करता है। बहुत सारे लड़कियां स्कूल में इसलिए नहीं जाती है कि टॉयलेट उनके लिए अलग से सेपरेट नहीं होता है, आज की डेट में भी हम देखते हैं तो इस तरह के विद्यालयों में बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होती, पीने का पानी नहीं है वहाँ उपलब्ध साफ, तो वो कैसे, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ पर बिजली नहीं है, गर्मी में वो जो है बारिश में गर्मी में बच्चे को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए स्कूल में वो नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत अहम है, और आप देख भी रहे होंगे इन बातों को, तो ये आपका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है, सिग्निफिकेंट है, ये मैं समझता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप इस चीज़ का नहीं होगा तो बच्चा उसमें स्कूल से दूर भागने लगेगा और उसको समझ भी नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आएगा, जब कोई लर्निंग नहीं होगी, तो उससे जो है वो उसको सब्जेक्ट भी उसको डिफ़िकल्ट लगना लगेगा। तो ये टीचर्स का हमारे बहुत बड़ा रोल है कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ प्रेरित करे, और उसके एनवायरनमेंट से जोड़ के कोरिलेट करके पढ़ाए सब्जेक्ट को अपने को, जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें देखता है, एनवायरनमेंट में जो उसके पास है, उनको लेकर के वो आगे बढ़ाए उसको। और बच्चे आजकल बहुत कुछ उसके पास ज्ञान होता है, उस पूर्व ज्ञान का भी उपयोग करे और उसको लिंक कर करके और उसको जो है आगे बढ़ाए बात को। अगर इस तरह से आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चे उसमें अट्रैक्ट होंगे, स्कूल में रिटेंशन रहेगा उनका, एक्सेस होगा, और उसमें लर्निंग भी होगी और एनरोलमेंट भी रहेगा, और अचीव कर पाएंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं उस चीज़ के लिए विशेष रूप से धन्यवाद सभी का। बहुत सारे ट्रेनिंग टीचर्स ने हमारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हमारे आए हैं उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। धन्यवाद।